जैसे चतुराई से फोड़ दिया, सारी दूध मक्खन जो कुछ था सब पूरा बह गया, आंगन तमाम हो गया। इधर भय आ गया, माँ भी आ गए तो मारेंगी। क्या किए, वो दूसरा घर में चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि कुछ बंदर थे आने लगे, सबको बुलाया और खाने के लिए दिया। कोई कई टीकाकार कहते इसलिए खाने के लिए दिए, राम अवतार में बंदर को ना कपड़ा दिए थे पहनने के लिए, ना फल, ना खाने के लिए खाना दिए थे। भगवान राम को लीला में इतना इतना मदद किए थे, पेड़ के ऊपर रहते थे, नंगा घूमते थे, फल मूल खा लेते थे, सेवा करने से पहुंच जाते थे। कृष्ण ने बताया कि इसी अवतार में तो नहीं, अगला अवतार में पूरा चुका दूंगा तुम लोग, खाना पीना जरूर बांटूंगी, तो इसलिए दूध माखन दे रहे, खा लो, अभी नीचे गिर गया खा लो। और ऐसे तो दृष्टि भोग हो गया, कृष्ण की प्रसाद हो गया, खाने लगे। कुछ बिल्ली आकर के खाने लगे तो बंदर बोले कि भाई हम लोग मदद किए थे, खा रहे तुम लोग क्यों खाओगे। तो कृष्ण ने बताया देखो कोई भी हो, कृष्ण प्रसाद ले रहे, मना नहीं करना चाहिए। और तुम अगर मना करोगे मैं तुमको अच्छा अच्छा चीज दूंगा। बिल्ली लो, बिल्ली को बुला करके ले, तुम लोग इधर आओ, अंदर भरा हुआ है। तो अंदर चले गए, अंदर ने कृष्ण जसोदा माँ ने जिस घर में नारायण के लिए सजावट करके सिक्का के ऊपर रखा था, क्या बोलते सिक्का बोलते ना, सिक्का के ऊपर रखा था, उसी घर में चले गए। हाथ जब हाथ बढ़ाया पाया नहीं, कृष्ण ने तथी के ऊपर तथी, पीढ़ी के ऊपर पीढ़े रख करके उसके ऊपर उठ गए और बिल्ली को खाने के लिए दे रहे हैं। जसोदा माँ जब देखा मंथन मटकी फूट गई, सारी आंगन भरा हुआ नवनीत लहुनी से, नवनीत माखन और दधी से भरा हुआ देख करके तो बड़ा क्रोधित हो गए। बचपन से इतना क्रोधी है, सारी गोपी मुझे सच बोल रही थी, मैं तो बोल रहा था झूठ बोल रहे सब। तो माँ ने देखा कि कौन सा घर में गए, गया लड़का ने। लेकिन चोर जब चोरी करता निशान जरूर छोड़ता, तो कन्या को इतना चतुर शिरोमणि होने पर भी ब्रज में सारी चतुराई थे। उन्होंने जब पैदल गया, पैदल का निशान जिस घर के और पड़ा है, तो पता लग गया कि वही घर में घुसे कन्या। तो इमिल का छाट को पकड़ करके पीछे से जसोदा माँ ने लाठी लेकर के अंदर गए। लेकिन कृष्ण ने इतना भी चतुर है, और चतुर ज्यादा है कृष्ण भी, इसी ब्रज लीला में सब जगह के प्रतिद्वंदिता चलेगा। कृष्ण की ऐसा जो चतुराई, ब्रजवासियों का चतुराई, सब दान में लेने में सब जगह प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता युद्ध होती है। तो चतुराई से जब अंदर इसी घर में गई है, जिस घर में दो दरवाजा है, इसलिए कि माँ अगर इसी दरवाजे आएंगी मैं तो उसी दरवाजे निकल जाऊंगी। तो जसोदा माँ जब इसी दरवाजे पर पहुंच गई, तब बिल्ली लोग भाग, बिल्ली सब भाग गए। बिल्ली जब भाग गए, कन्या को पता लग गया माँ गई, अरे बाप, डर गए कन्या, दौड़ पड़े। और जसोदा माँ ने दौड़ पड़े भी बाहर, क्योंकि कन्या डायरेक्ट बाहर आ गई, इसलिए कि माँ, कन्या को पता है माँ तो बाहर नहीं आएगी। लेकिन कन्या को पता ही नहीं, वो दिन नहीं हुआ, सुबह सुबह माँ तो आ जाएगी। जसोदा माँ ने तो राज रानी होने पर बड़ा दांड के रोड पर आ गए और कन्या को पकड़ने के लिए जा रहे, और नंद खिड़क में चले गए कन्या। लेकिन कन्या इसलिए सोच के चले गए क्योंकि उपानंद नंद की बड़े भाई होंगे जरूर, तो माता जी नहीं जाएंगी। लेकिन कन्या का बुद्धि फेल होगा क्योंकि उसी दिन संडे था, छुट्टी था, छुट्टी तो नहीं, मजाक से सब बोल दिया। लेकिन उसी दिन सुबह सुबह बैठक नहीं होता है, तो जसोदा माँ दौड़ रहा है। हमारे गुरुपाद पद्म कहते हैं जिसी कन्या को पकड़ने के लिए काल जवन फेल हो गया था, जिसी कृष्ण को पकड़ने के लिए जोगियों का मन भी पकड़ नहीं पाता है, आज जसोदा माँ ने बड़ा सुन लिया कि इसी कन्या के पीछे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन पकड़ ही लिया। क्यों पकड़ लिया, नमामि स्वरं सचिदानंद रूपं लसकुंडलं गोकुल भज मां, नमामि स्वरं सचिदानंद रूपं लसकुंडलं गोकुल भज मां।
जसोदा मां के जसोदा मां ने इसलिए पकड़ लिए क्योंकि जसोदा मां जब दौड़ रहे थी फूल भी कवर से गिर रहा है, वो बता रहे थे माताजी आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं, चलो पकड़ो। कन्हैया को पकड़ लिए इसलिए क्योंकि कन्हैया का जितना प्रीति कृष्ण के प्रति है, यानी कन्हैया जितने जोर से दौड़ रहे थे जसोदा मां ने उससे और ज्यादा जोर दौड़ करके पकड़ लिए। क्यों पकड़ लिए? क्योंकि कृष्ण को हारना ही सार है। इसलिए जे जथानं प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं, यहां पर फेल है ब्रज में। कृष्ण कहते हैं कि जिसने मुझे जितना प्रेम करेगा मैं उनको उतना प्रेम कर सकता हूं, लेकिन सब जगह चल सकता है ब्रज में नहीं, क्योंकि कन्हैया का जितना प्रेम जसोदा मां के प्रति, जसोदा मां का जो प्रेम कृष्ण के प्रति उससे ज्यादा है, इसलिए कन्हैया दौड़ नहीं पाए। मां की प्रेम के सामने जसोदा मां फेल हो गए, वशीभूत हो गए, पकड़ में आ गए, पकड़ लिए जसोदा मां ने। लेकिन रुदंतं मुहुर्ने त्रजुगमं मृजंतं कराम्बुज जुगवेन सतंग नेत्रम, भयभीत हो गया कन्या, जसोदा मां ने आज मुझे न मारे, बहुत रोने लगे। लेकिन हर समय अगर कन्या रोते थे तो जसोदा मां ने गोद में ला करके खुद अपना चुनरी के द्वारा कृष्ण के आंख से आंसू पोंछ लेते थे। लेकिन आज तो कन्या रो रहे कि जसोदा मां पोंछेंगे, जसोदा मां थोड़ी पोंछती है। आज कन्या जब पोंछा नहीं कन्या मां ने, जसोदा मां ने, तो कन्या खुद हाथ उठाया पोंछने लगे, दिखाए कि मैं रो लिया, मैं भावित हो गया, माँ मुझे मत मारो। लेकिन जसोदा माँ तो छोड़ने वाला नहीं, त्रिरेखा का कंठ इतना रोते है स्वाभाविक रूप में, कंठ में त्रिरेखा हो गया, तीन रेखा आ गया, ओठ तो कांपने लगा। कन्हैया इतना डर गए, जसोदा माँ तो लेकर के आए। जसोदा माँ ने सोचा अभी अगर नहीं बांधूंगी उनको आज दौड़ करके जंगल चला जाएगा, कुआ में गिर सकता है, थोड़ी बांध देता हूं और थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर खुल दूंगा, माखन मिश्री खिलाऊंगा, अभी काम करूंगा। कन्हैया को लिए बांधने के लिए, कन्हैया तुम चोर है। कन्हैया ने बताना, ना हमारे घर में कोई चोर नहीं, तुम्हारे घर में चोर है, तुम चोर नहीं। ना नहीं, बंदर को कौन खिलाया? कन्हैया ने बताना, जिसने बनाया, जिसने कन्हैया बंदर को बनाया उसने खिलाया। अच्छा, मटके ने कौन फोड़ा? माँ आपकी पैर में जो बला लगा हुआ ना, वही लग गया, इसके कारण फूट गया, देखो ना कितना साइज में फूटा हुआ है, मैंने ही मारा। जसोदा माँ तो, अच्छा तुम्हारी इतना बुद्धि है, भगवान के नाम है विदग्ध चिंतामणि। विदग्ध मतलब बाघपटु, कोई जीत नहीं पाएंगे कन्हैया के साथ। जसोदा माँ ने बताया, ये ब्रज में सब सुधार है, सब शांत है, तुम दोनों ही खल हो, एक खल हो दो खल, जिनको सहायता से तुमने मटकी ने माखन चोरी किया, और एक खल तुम हो, तुम दोनों का एक साथ बांधू, ब्रज में तुम दोनों खलों को शासन करना चाहिए। तो अपना रिबन को निकाले कबरी से, एक साइड से बांधने लगे, बांध रहे जसोदा मां, लेकिन पूरा बांध नहीं पाए, दो अंगुली कम हो गया। जसोदा मां की तो चिंता बढ़ गई, आज तक हमने कितना करबंध पहनाया, कितने बार कपड़ा पहनाया वही कमर में, कितने बार क्या नहीं पहनाया, मुकुट पहनाया, गला में माला पहनाया, कभी कम नहीं हुआ था। 2.5 साल की लड़का कबर, ये रस्सी बंद हो गया, शर्ट हो गया, और रस्सी लाए फिर बांधने लगे, दो उंगली फिर कम, फिर लाए फिर कम। जसोदा मां ने सोची क्या हो गया, और लाए। गोपियां आ गई थी, हमारे गुरुदेव बताते दो अंगुली कम क्या है, कम इसलिए एक अंगुली तो साधक की चेष्टा और दूसरा अंगुली है भगवान की कृपा। अगर अखिल ब्रह्मांड के नाथ वशीभूत करना है, उनको बस में लाना है, भक्ति के अंदर लाना है, तो दो चीज चाहिए। हम सबके पास वो दो चीज कम है, लेकिन जसोदा माँ के पास था। क्या है? दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपया आसित स्वबंधने, माँ की चेष्टा प्रबल और कृष्ण ने कृपा की परिश्रम देख करके। लेकिन हम तो परिश्रम करने के लिए सोचते करते हैं,
माला करते हैं, कौन करेगा भाई, दो माला हो गया, चलो नहीं होगा, अहर्निश कीजिए ना, पुकारिए, जरूर सुनेंगे, प्रयास होना चाहिए साधक की, और दूसरा भगवान की कृपा, जिनके प्रयास उनके प्रति कृपा जरूर हो जाते। कृपा मतलब क्या है, करो पाओ, करोगे नहीं पाएंगे कैसे होगा, नहीं होगा, कृपा करो पाओ, करने से मिलेगा। जसोदा माँ ने सचमुच दो अंगुली कम हुआ था, गोपियों ने बताया कर जसोदे इनका कपाल में ब्रह्मा जी ने बंधन लिखा नहीं, उनको छोड़ दो। जसोदा माँ ने बताया क्या, मेरा पेट से निकला है, मैं उनको बांध नहीं पाऊंगी, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों बांध करके ही रहूंगी। इतना दृढ़ता जब आ गया, भगवान रिझ गए, नहीं बंधन में आ गए, भगवान तो बंधन में आ गए। बोल दामोदर भगवान की, इसलिए भगवान के नाम हुआ दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी आ गया, भगवान के नाम पड़ा दामोदर। सचमुच भगवान नृसिंह अवतार लिए थे, बंधन में नहीं आए थे, बराह अवतार लिए थे, बंधन में नहीं आए थे, बामन अवतार आए थे, बंधन में नहीं आए थे, जितने अवतार लिए बंधन में आए नहीं, ऐसे ब्रज में बलदेव प्रभु भी जन्म लिए बंधन में आए नहीं, लेकिन स्वयं भगवान ईश्वर का ईश्वर होने पर भी उन्होंने बंधन में आ गए। बंधन में आ गए मतलब ये साधारण रज्जु का बंधन नहीं है, ये जसोदा माँ की प्रेम रज्जु का बंधन में आ गए, इसलिए कृष्ण का नाम दामोदर हो गया। माँ ने फिर जब भगवान कृपा किए, वही रिबन के द्वारा ही बांध दिए, उदुखल को बांध दिए, चले गए काम करने के लिए। सुबह हो गया था, सखालों को सब आ गए, बंधन खुलने के लिए लगे, खुल नहीं पाए, क्यों खुल नहीं पाए, इवन बलदेव प्रभु आए, बलदेव प्रभु खोल नहीं पाए, क्यों खोल नहीं पाए, क्योंकि सखालोक और बलदेव प्रभु का रस है सख्य रस है, और जसोदा माँ की जो बस है बंधन है वो वात्सल्य रस का बंधन है, वात्सल्य रस सख्य रस श्रेष्ठ है, इसलिए बंधन को खुलने के लिए गए लेकिन खुल नहीं पाए, बंधन को खुल नहीं पाए, लेकिन बलराम जी ने जब आए देखा कन्या को बंधन हो गया, तो उन्होंने सोचा किसका बंधन, किसने बांधा, जानते हो मैं शंकर हूँ, आग उठा करके सृष्टि प्रलय कर सकता हूँ, ये कौन कितना कितना बात बोले। मधुमंगल में कान में बोला माँ, माँ ने बांधा। बलराम तो उतना ज्यादा क्रोधित हो गए थे, संत हो गए और बंधन खोले नहीं, चलो चलो खेलेंगे, अभी कन्हैया ने बोला उसको उठाओ धकल दो पार खेलेंगे, चले गए जामड़ा अर्जुन टूट पड़े, उद्धार हो गए और दोनों खुद बंधन में आ गए, ये दोनों को मुक्त करने के लिए। और बड़ा जोर शब्द हुआ, नंद बाबा ने आ गए, कन्या को बंधन को देख कर रो पड़े और उन्होंने खोल दिया बंधन, खोल दिए इसलिए क्योंकि नंद बाबा भी वात्सल्य रस के भक्त है, उन्होंने खोल दिए। कन्या तो जसोदा नंद बाबा को देख करके रो पड़े, नंद बाबा ने मिठाई प्रदान की, बड़ा इतना शब्द सुनकर के जसोदा माँ भी आ गए, सब लोग कन्या को बुलाए तो आए नहीं, रोहिणी माता ने बुला बताया कन्या तुम आओगे नहीं, न नहीं खेलोगे किसके साथ, दाऊ भैया के साथ रहो, सोएगे किसके साथ, नंद बाबा के साथ, खाओगे क्या, न बाबा जो दूध पिलाएंगे, खाओगी पियोगी, अच्छा तो रोहिणी माँ ने बताया अगर तुम्हारे माँ ऐसा हो जाए तो, यानी राम नाम सत्य हो जाए तो, तत कन्या रो पड़े, माँ माँ करके चिल्ला चिल्ला करके दौड़ पड़े, जसोदा माँ ने कन्या को लिए रो पड़े, नंद बाबा ने मधुर भर्सना की, ब्रज में आनंद का ये वात्सल्य रस का पूरा समुद्र छा गया, सब लोग वात्सल्य रस में डूब गए, ऐसे कन्या की मधुरमय लीला अगर सुने और स्मरण हो जाए, भव संसार से पार होने के लिए बड़ी बात नहीं है। इसलिए बड़ी सुंदर सुंदर आज कथा है, बहुत ज्यादा कथा है, हम लोग निवेदन करते महाराज जी को, महाराज जी आप लोग को सुनाएंगे। बल वृंदावन बिहारी लाल की, हरि नाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि।
पुनवृंदावन बिहारी धाम की जय। जय जय श्री राम की। बाके ही आसन बाके सिंहासन की। बाके ही आसन बाके सिंहासन बाके ही तकियन की छवि न्यारी। बाके ही रास विलास नचो कि बाकी बने ब्रज की ब्रज नारी। कि बाके ही कंचन मंदिर की कि बाके ही मंदिर कंचन की। बाकी बनी श्री राधिका प्यारी। अरे देखत नैना ताक रहे झुक झाक झरोखा में बाके बिहारी। झुक झाक झरोखा में बाके बिहारी। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो आइए अभी प्रभु जी कह रहे थे कि ना बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। फिर एक भजन में कहते हैं कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे गंगा में नहा लो यमुना जी में नहा लो कोटि उपाय कर लो लेकिन प्रेम नहीं है तो नटवर नंद किशोर नहीं मिलता। तो आइए यहाँ हम लोग 6 दिन से कथा सुन रहे हैं। कौन कौन भगवान से प्रेम करते हैं हाथ उठा के बताए। करते हैं आप लेकिन कितना प्रेम हुआ है इस 6 दिन कथा सुनने के बाद। भगवान के प्रेम में दीवानी मस्तानी जो हो जाए उसी के अंदर थोड़ा प्रेम आता है। तो कहते हैं कोई धन दौलत का पागल। कोई धन दौलत का पागल कोई बेटे नारी का पागल। अरे सच्चा पागल तो वही है। सच्चा पागल वही है जो बाके बिहारी का पागल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप लोग प्रेम करते हैं ना कन्हैया से। तो आइए एक ब्रजभाषा में बहुत सुंदर प्रचलित भजन है ब्रज में। आइए इस भजन में सभी लोग आनंद लेते हैं। ओ सांवरे रसिया से हो गई मेरी यारी। ओ सांवरे रसिया से हो गई मेरी यारी। सांवरे रसिया से हो गई मेरी यारी। ओ सांवरे रसिया से हो गई मेरी यारी। सांवरे हो गई मेरी यारी। अरे हो गई मेरी यारी शाम सो यारी लागे न्यारी। हो गई मेरी यारी शाम सो यारी लागे न्यारी। सामरे 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 नसिया से हो गई मेरी यारी। सामरे सावरे रसिया से हो गई मेरी यारी। सावरे रसिया से हो गई मेरी यारी। अरे हो गई मेरी यारी इनसे हो गई मेरी यारी। हो गई मेरी यारी समझो हो गई मेरी यारी। सावरे सांवरे सांवरे रसिया से हो गई मेरी यारी। श्री राधे सभी मीठी मीठी कहानियों की सेवा करते भरे। Thank you.
कवियों का कंपटीशन होता है, कौन नाच में जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ छह दिन आज सातवां दिन है, लेकिन नाचने के कंपटीशन यहाँ नहीं निकाला गया, लेकिन ब्रज में है। तो आइए सभी लोग एक बार प्यार को सीधा कर ले, सभी लोग नाचेंगे भजन को। आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन में सभी एक बार आनंद ले, कीर्तन के रस में बजे सावरे मेरी यारी सामसो, यारी लागे न्यारी।
तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पगर्भस्य कृपासिन्धुभैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महाबलाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नी गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः तमादि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं
भजामहे भागवतम स्वरूपम जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतम् द्वैपायन विरह कातर आयुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुम् स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान त्वस्मि नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी बार हाथ उठा कर बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम जोर से करिए सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री लो कर रहे थे कृष्ण इंद्र को पूजा को बंद करा के श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने पूजा करवाई बोले क्यों तब हमारे टीकाकारों ने उसको पीछे चार कारण बताया पहला कारण है कहते झोली फैलाना तो केवल गिरिराज में ही फैलाओ कृष्ण का चरण में ही फैलाओ और किसी को मांगने का कोई जरूरत नहीं सारी इच्छा को तुम्हारी झोली अकेले कृष्ण ही भर देंगे इसलिए भागवत में कथा आती है एक समय देवता दैत्य में घमासान लड़ाई हुई एक राजा थे जिनका नाम था खटवांग राजा देवताओं ने ये राजा को अपना सेनापति पद में नियुक्त की और इतने पराक्रमी वो राजा थे इनके सहारा से उन्होंने दैत्यों को परास्त किया अब ये 33 करोड़ देवता राजा के ऊपर खुश हो गए बोले राजा अगर तुम नहीं होता ये युद्ध को कभी हम जीत नहीं सकते थे हम सबके सब तेरे ऊपर प्रसन्न बताओ तुमको क्या चाहिए राजा ने कहा एक काम करो तुमसे वरदान लेकर के तो विषय भोग करूंगा ना दुनिया को भोग करूंगा बोले हाँ बोले पहले देखो मैं कितना दिन और जिंदा रहूंगा बोले कुल तुम एक मुहूर्त और जिंदा रहोगे 48 मिनट बोले मेरे परमाय को थोड़ा बढ़ा सकते हो बोले नहीं ये काम हम नहीं कर सकते बोले हमें ये संसार से मुक्ति दिला सकते हो बोले नहीं बोले फिर तुमसे वरदान लेकर करूंगा क्या अगर तुम परमायु नहीं बढ़ा सकते हो अगर हमें ये जन्म मृत्यु का चक्र से उधार नहीं करा सकते हो फिर तुमको तो खुश करना बेकार है बोले बताओ ये काम कौन कर सकता है बोले एक ही कृष्ण ही बांके बिहारी ये काम कर सकते हो केवल कृष्ण ही तुम्हारी परमायु को बढ़ा सकते हैं और मुक्ति केवल मुकुंद ही दे सकते हैं इसलिए कृष्ण का एक नाम मुकुंद है मुकुंद मतलब जो मुक्ति को प्रदान करने वाले इसलिए यहाँ पर कृष्ण किसकी पूजा बंद करवा दिया इंद्र की बोले इंद्र कौन है बोले स्वर्ग का राजा है सारे देवता को राजा बोले इनकी पूजा करने कोई लाभ नहीं है अगर पूजा करना ना ये गिरिराज गोवर्धन पूजा करो ये गिरिराज कौन है ये स्वयं कृष्ण ही ये गिरिराज रूप धारण किया
पहला शिक्षा है जगत में 33 करोड़ देवता है, बताओ कितने को खुश करो। अगर आज तुम शनिचर को पूजा किया खुश हो गया ना, फिर सोमवार गुस्सा हो जाएगा। अगर सोमवार देवता को पूजा किया शंकर जी को, देखना फिर हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। हनुमान जी नाराज हो गए सुखी हो गए तो देखना गणेश जी नाराज हो जाएंगे। अगर दिन में 1 करोड़ देवता को अगर पूजा करोगे, बताओ 30 दिन में कितने पूजा, कितने देवता की पूजा होगी? 30 करोड़। अभी 3 करोड़ बाकी रह गया ना, आप बताओ कितने को खुश करोगे। लेकिन भगवान कृष्ण जो विराट रूप दिखाया, अर्जुन देख मैं कौन हूं, ये 33 करोड़ देवता सबके सब मेरे अंदर में हैं। जब कृष्ण को भक्ति करते हो ना, ये जितने सारे देवता है वो अपने आप खुश हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा, बोलो उसको बाद में क्या, ता पर कृपा करे सब कोई, उसको पर सब कृपा करते हैं। इसलिए भागवत में 2 उदाहरण देकर समझाए। जैसे एक वृक्ष है, अगर वृक्ष का जड़ में पानी मत डालो, दिन भर उसको पत्ते में फल में फूल में पानी डालते रहो, बताओ वो पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? बताओ, बोले क्यों? उसका पेड़ में, उसका पत्ते में, इसका फल में तो पानी डाल रहे हो, वो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन कहीं वृक्ष में कहीं पानी देने का जरूरत नहीं, केवल उसका जड़ में पानी दे दो, बताओ पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? हाँ, इसलिए कि भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तिब्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम। लेकिन कुछ लोगों का भूल धारणा है, अरे कृष्ण का तो जो भक्ति करते हैं ना वो निष्काम रूप में, और उनको केवल मुक्ति इच्छा से, लेकिन हमें तो धन दौलत पुत्र परिवार संसार हमें तो ये चाहिए। कृष्ण तो केवल मुक्ति और कृष्ण भक्ति और निष्काम भाव, बोले नहीं। ध्रुव जी का नाम सुने हो? ध्रुव जी का नाम सुने ना, जब उन्होंने भगवान की भक्ति करने के लिए क्यों गया था? एक दिन जब उसने अपना माँ पिताजी की गोद में बैठने के लिए गया, उसका जो छोटी मैया ने बड़ी गाली दी, बोले तभी पिताजी की गोद में बैठ सकते हो, तुम भगवान के भजन करते हुए इस शरीर को छोड़ो और मेरे कोख से जन्म लोगे तभी पिताजी की गोद में बैठ सकते हो। वो रो रो करके मैया को पास में लिया, मैया तो सुनीति थी कुनीति नहीं, बोले बेटा छोटी मैया सही बात बताए, जब तक भगवान की कृपा नहीं होता है ना बेटा, ये राज सिंहासन नहीं मिलता है। बताओ ये पिताजी कब तक, पिताजी का गोद में तुम कब तक बैठे हुए? भगवान की गोद में बैठ जा बेटा, जिसकी गोद में एक बार बैठोगे ना कभी उतरोगे नहीं। ये जगत का पिता जितने प्यार देगा उससे करोड़ों गुणों प्यार देने वाले भगवान हरि, जा बेटा हरि की भजन करने जा। जब भगवान की भक्ति करने के लिए गया था निष्काम भाव से नहीं, बोले मैं राजा बन, भगवान खुश होंगे ना, मैं ये वरदान मांगूंगा, पहले तो मेरी मैया राजमाता बन जाए और मैं बड़ा बेटा हूँ, राज सिंहासन में मेरा ही अधिकार, लेकिन छोटे भैया अभी बैठना चाहता है। लेकिन जब भगवान संतुष्ट हो गए, जब ठाकुर जी की कृपा हुई, दर्शन दिए, भगवान कहते बेटा ध्रुव भर मांगो, जो मांगना मांग लो, जी भर करके मांग लो, मैं ऐसे एक देवता हूं जो मांगोगे सो दे सकता हूं। लेकिन प्रहलाद ध्रुव क्या कहता है, बोले प्रभु पहले तो मैं मूर्ख था, इसलिए मैं मांगने के लिए इच्छा के लिए आया था, अगर कोई कांच के टुकड़े टुकड़े ढूंढते ढूंढते अगर किसको पारस मणि मिल जाए, जगत में कौन बेवकूफ होगा जो कि पारस मणि छोड़ करके कांच के टुकड़े को ग्रहण करेगा? हे प्रभु आपका चरण तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, आपका चरण तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ चाहे निरंतर ध्यान, आपका चरण तो दुर्लभ प्रभु, प्रभु में तृप्त हो गया हमें और कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? तू तो आया था मांगने के लिए, तुमको इच्छा क्यों पूरी हो गई? बोले आपकी चरण मिल गया ना, इसलिए केवल संतों का संग हमें प्रदान करो और कुछ नहीं चाहिए। बोले ध्रुव अगर तेरे को कुछ नहीं दूंगा ना, दुनिया बोलेगा देखो इतना छोटा 5 साल का बालक भजन किया, प्रभु कुछ दिए ही नहीं, दुनिया मेरे निंदा करेंगे, मेरे खुश के लिए कुछ मांग लो, मेरे खुश के लिए तू कुछ मांग लो। लेकिन ध्रुव जी कुछ नहीं मांगे, देखो ठाकुर जी क्या देते हैं। बोले ठीक है मैं अपना तरफ से तेरे को देता हूँ, जाओ
ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में 36,000 साल तक निष्कंटक रूप में राजत्व कर, और तेरे लिए एक लोक बनाऊंगा ध्रुव लोक नाम से, जब तक ये दुनिया रहेगा दुनिया तेरे को ध्रुव लोक नाम याद करेगी। हम बोलते ना ध्रुव धारा बोलते हैं, इसलिए तेरे लिए एक नया वैकुंठ बना दूंगा, एकदम नया वैकुंठ बना दूंगा तेरे लिए। इसलिए उन्होंने 36,000 साल तक पृथ्वी के ऊपर में राज्यत्व की, और उसके बाद में क्या किया, उनके लिए ध्रुव लोक बना दिया। अभी जब 36,000 साल समाप्त हो गया, वैकुंठ से विमान आया, रथ आया। जब रथ आया, रथ में बैठने के लिए जा रहा था, इतने में स्वयं काल आ गया, बोले ध्रुव कहाँ जा रहे हो, बोले वैकुंठ। बोले इसी जगत में जो जन्म लेते हैं ना, ये इसी जगत को मरते लोग कहते हैं ना, मरते लोग मतलब क्या, यहाँ पर जो जन्म लेगा उसको मरना ही पड़ेगा। बोले मेरे को स्पर्श किए बगैर जा नहीं सकते। बोले तुम कौन हो, बोले मैं काल हूँ। बोले यहाँ बैठ गया, बैठ गया तो ध्रुव जी सौ शरीर में ये शरीर छोड़ना नहीं पड़ा, उनने काल का सर के ऊपर प्यार रख करके सीढ़ी बना करके सौ शरीर में जब वैकुंठ जाना चाह रहे थे, इतने में मैया की याद आ गई। ध्रुव जी ने कहा मेरी मैया कहाँ है, मेरी मैया कहाँ है। बोले बेटा तुम मैया को क्यों ढूंढ रहे हो। बोले आज जो हमें भगवान मिले है ना मैया की कृपा से, ये मैया मेरे को बताया। बोले बेटा ये पिता कब तक रहेगा, ये दुनिया कब तक रहेगा, बेटा जाओ हरि की भजन कर, हरि की भक्ति से ही तेरे को निष्कंटक राज्य तो प्राप्ति होगा, इसलिए मैया को लिए बगैर मैं नहीं आऊंगा। तब विष्णु दूत ने कहा देखो जो मैया तुमको भगवान की भक्ति में लगाया, देखो सामने देखो जो विमान है ना, वो विमान में तेरी मैया बैठी करके वैकुंठ जा रही है, तू आगे नहीं जा रहे हो, पहले कौन जा रहे हैं, हमारी मैया, तू उसको पीछे 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 जा रहे हो, फिर मैया को पीछे पीछे गए। देखो जितने माता है ना, यहाँ से एक चीज लेकर के जाओ, कथा 7 दिन ही सुनोगे ना, 7 दिन ही कथा सुनोगे, केवल एक चीज लेकर के जाओ, अगर तुम्हारी बच्चे को भक्ति में लगाओगे तो बच्चा को उधार होने से पहले तुम्हारी उधार होगी, पहले तुम्हारी उधार होगी। अगर बच्चे, मैंने पहले बताया था ना, किसी व्यक्ति ने गुरुजी को पास में आकर के बोले गुरुजी बेटा बात नहीं सुनता है, पहले तो थोड़ी बहुत कहीं सुनता सुनता नहीं था, लेकिन जब से शादी हो गई पता नहीं एक रात में उसका बीबी ने क्या कान में मंत्र दिया और दूसरे दिन उसकी बुद्धि खराब हो गया, ये बात ही नहीं सुनता है। हमारे गुरुजी ने क्या बताया, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चे को रामायण पढ़ाते हो। बोले नहीं, बोले जो रामायण नहीं पढ़ेगा, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा, उसको यही गति होगी। हमारे गुरु जी कहते उसका यही गति होगी, अगर रामायण पढ़ाते ना, रामायण पढ़ता तो वहां से शिक्षा मिलता, क्या मिलता, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमः माता, भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले पितामह का चरण छूते, गुरु जी की चरण छूते थे। जब पिताजी शयन करते हैं, माता जी शयन करते हैं, प्रभु स्वयं अपना हाथों से पिता माता की चरण की सेवा करते हैं। अगर बच्चे को अगर ये शिक्षा देते गीता रामायण पढ़ते कर, तो बच्चे तो तुम्हारी शिक्षा करते, लेकिन बच्चे को तो स्मार्टफोन तुम्हारे पकड़वा दिया, 10-20 हजार रुपया की स्मार्टफोन पकड़ दिया, जिसमें जीवन बिगड़ जाए, ये बिगड़ने का चीज तो दे दिया, लेकिन तुमने गीता भागवत बच्चों को नहीं पढ़वाया है। इसलिए क्या करनी चाहिए, रामायण गीता भागवत पढ़ो, ठीक है ना। देखो गीता पढ़ने का कितने महत्व, कल में हम गए थे ना, कल प्रभु सामने जिनका घर क्या करने थे ना, माना राम प्रभु जी, उनका बच्चा एक अंग्रेजी स्कूल में क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं, तब हमने बात करते करते उन्होंने पूछा कल वहाँ क्या होता है, बोले बाइबल से रोज रोज एक श्लोक उनको याद करने के लिए देते हैं, बाइबल से श्लोक याद, क्रिश्चियन की स्कूल में बाइबल उसको कंपलसरी तुमको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, और पेपर भी होता है उसमें है करते, बोले मुसलमान का, बोले तो मुसलमान का भगवान कौन है, बोले अल्लाह, बोले हिंदुओं का भगवान कौन है, बोले कृष्णा, बोले हमारे भगवान कौन है, बोले गॉड। वो ये सिखा दे, तू हिंदू बच्चे हो कद तुम्हारी भगवान कौन है, कद गॉड है तुम्हारी भगवान। वो स्कूल में अगर ये सिखा दे सकते हैं,
क्या हम बच्चे को ये नहीं बता सकते बेटा तू एक गीता का एक श्लोक पढ़े घर में? नहीं बता सकते हैं? देखो आपको एक सही घटना बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय गीता जयंती आई, अमेरिका में ईश्वर का नाम सुने होंगे, अमेरिका में वो गीता जयंती में बहुत गीता को डिस्ट्रीब्यूशन कर बांटते हैं। कुछ ईश्वर के भक्तों लोग लाइन करके करके 10 साधु खड़े हुए थे। जब एक व्यक्ति एक प्लेन से उतरा, बोले भैया गीता लो। बोले गीता गीता क्या है? थोड़ी देर गए, बोले गीता लो। बोले उसने देखा 10 व्यक्ति खड़े हुए लाइन में, बोले भैया कितने को हटाओ। सोचा $2-3 दे करके एक गीता ही ले लेता हूँ। एक दिन उसने एक गीता खरीद लिया, बोले बेकार ही, कोई तो काम के नहीं, उसको ड्रम रख लिया। और एक दिन वो इतने डिप्रेशन में आ गया, इतने डिप्रेशन में, अमेरिका में नियम है अगर पति पत्नी ने अगर खाना खाओगे ना, पत्नी अलग पैसा देगा, देगी पति अलग पैसा देगा, हैं? वो पैसा अलग अलग है, डिपोजिट अलग है। वहां पर तो करोड़ों रुपया कुकुरों को कुत्ते को नाम पर रख करके जाते हैं, पत्नी का नाम में नहीं, बच्चे का नाम में नहीं। बोले क्यों? ये तो कब छोड़ सकती है? जैसे हम कपड़ा बदलाते हैं ना, वहां पर भी ऐसे शादी बदलवाते हैं, वहां पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे बदलाते हैं। इसलिए कुत्ते का नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया डिपॉजिट करते हैं वहां पर, कुत्ते का नाम पर, बीबी के नाम पर नहीं। बोले क्यों? कम से कम कुत्ता तो मेरे को छोड़ेगा नहीं, कुत्ता को नहीं छोड़ेगा, ये बीबी कब छोड़कर चली आएगी? इसलिए वो वहां थी। लेकिन हम क्या चाहते हैं ना, अंग्रेजी बच्चे को पढ़ाइए, अमेरिका भेजेंगे पैसा, हम पैसा कमाने के लिए। वो ये संस्कृति इतने डिप्रेशन और प्रेम ना, वो जो बात करते ना हृदय से नहीं दिमाग से बात करते, मतलब प्रेम नहीं, आप उनके लिए बहुत कुछ कर दो, थैंक यू बोल करके सब खत्म, बस थैंक यू में सारे खत्म होगी और कुछ नहीं। इतने डिप्रेशन में इतना, अमेरिका में कोई भक्त रहता है वो कभी कभी मेरे पास में फोन करता है, मैंने भैया तू इतना पैसा खर्चा करके क्यों फोन करता हूँ? कहते महाराज जी यहाँ पर किसको साथ में दिल खोल कर बात नहीं कर सकती, इतने स्वार्थी यहाँ के लोग है, जब दिल खोल कर बात करना होता है तुम्हारे साथ में करता हूँ, इसलिए कभी कभी मेरे पास में फोन करता है। एक दिन एक व्यक्ति इतने डिप्रेशन में आ गया, इतने डिप्रेशन में आ गया, बोला आज मैं सुइसाइड करूंगा। अभी सुइसाइड करने के लिए बैठा, सोचा भाई सुइसाइड करूंगा, बैठा सुइसाइड करने के लिए, जिसमें बंदूक था ना, जिसे ड्रग को खोला, खोल करके जब उसने गन बंदूक को पकड़ने के लिए गया और उसी में था भगवत गीता, वो बंदूक नहीं आकर के आ गया भगवत गीता। तो सोच अभी तो मरने जा रहा है, सोचा एक बार पढ़ ही लूं। जब उसने गीता को खोला, वो पहला श्लोक आया, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन अगर तुम जीवन में परम शांति, अगर परम सुख पाना चाहते हो, जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आओगे, ये दुनिया की कोई वस्तु तुम्हें सुख शांति नहीं दे सकता। बोले क्यों? ये दुनिया नश्वर है, अनित्य वस्तु है, एक दिन सबको मरना पड़ेगा, दुनिया छोड़ना पड़ेगा। जो अनित्य वस्तु, नश्वर वस्तु, वो कभी तुम्हें वो शांति दे ही नहीं सकती है। अगर तुम शांति पाना चाहते हो, कहते तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात पराम शांति। कृष्ण समझा रहे अर्जुन, तभी तुमको पूर्ण शांति, पूर्ण सुख तभी मिलेगा जब तुम मेरे शरण में आओगे। अर्जुन ये जो शरीर है ये एक वस्त्र है, कपड़ा है, जैसे कपड़ा जैसे पुरानी हो जाने पर हम पुरानी कपड़ा को छोड़ करके नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ये आत्मा जब ये शरीर पुराना हो जाए, इसको छोड़ करके फिर एक नया शरीर धारण करता है, हैं? इसलिए ये हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है, और आत्मा का मूल कौन? ये परमात्मा है। जब तक ये आत्मा परमात्मा की शरण में नहीं जाता है, भले ये विश्व ब्रह्मांड का सारे संपत्ति को तुम इकट्ठे कर लो, ये दुनिया की वस्तु रावण जैसे व्यक्ति को शांति सुख नहीं मिली। एक से एक सुंदरी स्वर्ग से अप्सरियों को पकड़ पकड़ कर लाया था, मेघनाथ जैसे बेटा सोने के जैसे लंका, शांति नहीं दे पाया उसको, फिर सीता को उठा रही थी। लेकिन एक व्यक्ति वहां चैन से जिंदा रहा था, केवल एक विभीषण ही चैन से जी रहा था, और सब बेचैन से वहां पर थे। जो ये गीता ये सब पढ़ाना, वो सुइसाइड क्या करेगा? वो रात भर ये गीता को पढ़ते रहा, जैसे उसको एक नया दिशा दिखा, रात भर गीता पढ़ते रहा। बोले भैया ये ग्रंथ आया कहां से? उसमें एड्रेस लिखा हुआ था ईश्वर का। फिर सवेरे सवेरे वो आत्महत्या क्या करेगा, वो सीधा वो आश्रम में गया और देखा वहां पर जैसे हम जैसे कपड़े पहने ना, ऐसे कुछ साधुओं को सन्यासियों को देखा, तो उन्होंने उनको प्रश्न किया, हम बड़े दुखी है,
संसार में सब कुछ है, घर दुकान मकान, लेकिन इस संसार में हमें शांति नहीं। फिर संतों ने समझाया, बोले बेटा ये दुनिया की वस्तु इसको शांति सुख नहीं देता है, शांति तो केवल प्रभु की भक्ति प्रेम ही देता है। इसलिए अगर सुख पाना चाहते हो प्रभु की प्रेम करो। उसने सब छोड़ करके उन्हें सन्यास ही ग्रहण किया। अभी वो संत है, उन्हें सब त्याग दिया, जैसे हम सन्यास लिए ना, उसने सन्यास अभी भी है। संपूर्ण पृथ्वी में अभी ये गीता प्रचार कर रहा है। मरने वाले व्यक्ति अगर गीता की एक दो श्लोक पढ़ लिया तो उसको जान बच गया, उसको उसका जीवन बच गई, समझ रहे कि नहीं। इसलिए कहते घर में गीता हो, बहू जैसे सीता हो, राम जैसे बेटा हो। कहते वो घर में ही, वो घर क्या है, कहते वो घर भगवान की धाम है, वो वृंदावन धाम है। इसलिए क्या करो बताओ, रोज कोशिश करो थोड़ी सी गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, रोज सवेरे पढ़ो। ऋषि मुनियों ने इतने बड़े बड़े देन हमें दे कर गए, इतने ग्रंथ दे कर गए। मैं पहले बता रहा था ना, एक ढाई पांच साल का एक मुसलमान बच्चे को जब पूछा तू तेरे को कुरान आता है, वो छाती फुला कर कहता है आए मेरे कुरान आती है। वो झटाझट कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा कितने साल से तुमको कुरान पढ़ाई जाती है, कंपल्सरी मुसलमान धर्म में ढाई साल से उसको कंपल्सरी उसको कुरान पढ़ाते हैं। हम हिंदू है, किसको पूछो गीता का कोई श्लोक याद है, पूछो कौन हीरो का नाम, कौन हीरोइन का नाम, सब याद है। सारे रट करके बैठे हुए, सारी गंदी चीज को हम रट करके सब बैठे हुए, लेकिन अपना धर्मों के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। इसलिए क्या करनी चाहिए बताओ, आप बताओ क्या करनी चाहिए। घर में भगवान के लिए थोड़ी समय दो, बच्चों को बताओ। देखो जिस घर में बच्चे ये गीता रामायण पढ़ेंगे ना, वो 100% पिता माता की सेवा करेंगे। क्यों? उनके अंदर में संस्कार पड़ेगा नहीं, पिता माता हमें जन्म दिया है, पहले इनकी सेवा हमें करनी चाहिए, इनकी चरण छूनी चाहिए, ठीक है ना। देखो भागवत को बाद में कुछ परिवर्तन आने चाहिए। लुकिए परिवर्तन, सवेरे उठ करके सबसे पहले अपना पिता माता की चरण छुओगे कि नहीं बताओ, कुछ छुओगे, कौन छुओगे, हाथ उठाओ तो। हाँ, सबके सब सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण छूना, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या करना, और क्या थोड़ी बहुत भगवान के लिए थोड़ी सी समय दो, गीता रामायण को थोड़ी समय पढ़ो, और कम से कम एक दो माला जप करो, एक दो माला जप करो। देखो जैसे, हाँ देखो पहले एक आदमी की हार्ट अटैक हो गया, जब ध्यान देकर सुनो, क्यों हम भक्ति करेंगे, भजन क्यों करेंगे। एक व्यक्ति के हार्ट अटैक की हो गया तो करोड़पति था, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और उसको बढ़िया से हार्ट ऑपरेशन हो गया। जब ऑपरेशन हो गया ना, उसको बिल बन गया 4 लाख रुपया। कितना बिल बन गया, 4 घंटा में उसको 4 लाख रुपया बिल बन गया। उसको बाद में डॉक्टर ने उसको हाथ में बिल पकड़वा दिया। अभी वो बिल को देख करके रोना शुरू कर दिया वो व्यक्ति। डॉक्टर ने कहा भैया रो रहे क्यों, तो करोड़पति व्यक्ति, बढ़िया से तेरे ऑपरेशन हो गया, जान तेरे बच गई है, खुश होनी चाहिए, ठीक है, तेरे को ज्यादा लग रहा है ना, 1 लाख रुपया हम कम कर देते हैं। और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, बोले फिर क्यों रो रहे हो, 1 लाख रुपया कम कर दिया। देखो ध्यान देकर सुनो, क्यों इनके नाम करनी चाहिए, बोले पैसा के लिए मैं नहीं रो रहा हूँ, भगवान हमें अरब खरब पति, पैसा की कभी नहीं। बोले फिर रो रहे क्यों, बोले मेरी उम्र हो गई 60 साल की, लेकिन जन्म से लेकर के अभी तक ये हार्ट को जो चला रहा था, ये हृदय को जो चला रहा था ना, अभी तक भी 1 रुपया उसने बेल नहीं भेजा, लेकिन तुमने 4 घंटा में ऑपरेशन किया तो कितना बिल भर दिया, 4 लाख तुमने बिल भर दिया। वो अगर बिल मांगे ना, फिर तो मैं कांगाल हो जाऊंगा। हैं हैं, इसलिए हम उनकी ऋणी हैं। इसलिए एक आंख से काम चल सकती थी, भगवान 2 आंख दे दिया हैं। एक किडनी से काम चल सकती थी, भगवान 2 किडनी दे दिया हमें। एक हाथ से काम चल सकता था, भगवान कितना हाथ तुम्हें दिया, दो हाथ हैं। इसलिए भगवान सब दो 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 दे दिया है। इसलिए श्री सूरदास जी कहते हैं, जिनी तनु दही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलगामी। ये सूरदास जी कह रहे, मेरे जैसे दुष्ट कौन हो सकता है, जिसने तुम्हें शरीर दिया, इंसान का जीवन दिया, तू उसको ही बिसरा करके बैठा हुआ,
अगर कोई जिंदगी में 100 रुपया दिया ना, जिंदगी भर उसको याद करते रहोगे, तुमने 100 रुपया दिया था और तुम्हें जीवन ही जिसने दे दिया, ठीक है ना। बताओ क्या करना है, क्या क्या करना है बताओ। सवेरे उठ करके थोड़ी गीता पढ़ो, थोड़ी रामायण में कोई ग्रंथ भक्ति ग्रंथ पढ़ना, और सवेरे दो दो माला जन्म जप करना, ठीक है ना। और यही भक्ति, यही भगवान के नाम ही अंतिम समय में साथ में जाएगा। यहाँ से एक सुई धागा भी साथ में जाने वाले नहीं, कम से कम भागवत से कुछ जीवन को बदला करके जाओ। ऐसे नहीं हम हर साल आए कथा सुनाए और बोलते बोलते फेल, हम भी गए और आप भी गए हम भी गए और साल में एक बार जब आए, कंठी नहीं, तिलक नहीं, माला जप नहीं, कुछ नहीं। कम से कम जीवन में कुछ परिवर्तन आनी चाहिए। देखो इसीलिए हम आए हैं कथा सुनाने के लिए, इसी लोभ से आए, किसी लोभ से। कम से कम आपका जीवन थोड़ी परिवर्तन हो, प्रभु का भजन करे और भगवान की भक्ति करे, और इसी में ही शांति सुख बनी रहेगी, इसी में ही शांति मिलेगा। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर 2-3 घंटा हम बैठते हैं, ये चीज को देख लो, 2-3 घंटा बैठते हैं हम, संसार में दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननंद से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी, कोई धंधा से दुखी, दुखी 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 संसार दुखी है कि नहीं, दुनिया में सब दुखी दुखी। लेकिन जैसे यहाँ 2-3 घंटा बैठोगे, अभी तुम्हारे कोई दुख याद है बता, कोई दुख तुम्हें याद है, कोई दुख तुम्हें याद नहीं। लेकिन केवल कथा से, गेट से केवल बाहर निकलो, सारे दुख पहाड़ जैसे आकर के सर पर बैठे हैं, पहाड़ जैसे। संसार जाने पर ये होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब अगर घर में जितने समय भक्ति करोगे ना, भजन करोगे, देखना उतना समय मन में शांति है, और सब दुखी अशांति अशांति, ठीक है ना। कम से कम यहाँ से गांठ बांध कर ले जाना। और जो लोग माला ले, कुछ कुछ बच्चे लोग आए थे माला लेकर गए, और लास्ट में जाते समय एक एक माला लेकर के जाना, ठीक है ना, एक एक माला लेकर के जाना, और खुद भी भजन करना, और बच्चों को घर में नियम बनाओ। क्या नियम बनाओगे बच्चों को, अगर जोर जबरदस्ती बच्चे को स्कूल भेज सकते हो, स्कूल, बच्चे गंदे काम कहाँ सीखते हैं, कोई पिता माता बच्चे को गंदे काम सिखाते, सिगरेट फूंको शराब पियो, कोई पिता माता सारे गंदे काम स्कूल में जाकर सीखता है, वो कॉलेज में बच्चों को साथ में, तब अगर उसी के लिए तुम जोर जबरदस्ती भेज सकते हो, क्या हम बच्चों को ये नहीं बता सकते बेटा कम से कम एक माला तू जप करके जा, इतना नहीं बोल सकते हो, बताओ बोल सकते कि नहीं। ये कठोर नियम बनाओ घर में, एकदम पक्की नियम, जब तक एक माला नहीं करेगा बेटा खाना नहीं देंगे, उनके लिए 5 मिनट तक निकालो, भगवान के लिए 5 मिनट तक निकालो, ठीक है ना। इसको गांठ बांध करके ले जाना यहाँ से, जरूर बच्चों को एक माला हम करवाएंगे, देखना वो बच्चा बड़े होकर के सबसे पहले तुम्हें सेवा पूजा करेगी, तुम्हें ही आदर देगा, तुम्हारी चरण सेवा करेगी, तुम्हारी प्यार छुएगा, तुम्हें ही शांति सुख मिलेगा, ठीक है। वलसी वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए उन्होंने इंद्र पूजा की बंद करवा दिया, पूजा झोली फैला तो कहाँ फैलाओ, बांके बिहारी को पास में फैलाओ, वही तुम्हारी गिरिराज, वही तुम्हारी झोली, वही भर देगा। कल ये पहला कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है, क्यों इन्होंने इंद्र पूजा को बंद करवाया, दूसरा कारण है इंद्र का अभिमान हो गया था, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, अगर मैं नहीं बारिश बरसाऊंगा ना घास ही नहीं होगा, अरे तो सब ग्वाला है, अगर गैया अगर घास नहीं खाएंगे तो ये दूध कहाँ से देंगे, अगर दूध नहीं देंगे तो इनका जीविका निर्वाह कैसे होगा, इसलिए मैं स्वर्ग का राजा इस प्रजा। कृष्ण बोले भैया, अगर नंद बाबा कन्हैया को बोलते बोले लाला मेरे जूती ले आ, कन्हैया ठुमुक 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 करते चलते हैं, वो हाथ में नहीं, वो जूती का सर पर रख करके और नाचते नाचते प्रभु आते हैं। नंद बाबा कहते देखो मेरे लाला कितने अच्छे है, मैंने कहा जूती ले आ हाथों में नहीं सर पर लाया, लाला जब बड़ा होएगा ना पिता माता की बड़ी सेवा करेगा। तब जिस नंद बाबा का जूती को मैं स्वयं सर पर बहन करता हूँ, अगर नंद बाबा कभी पान खाते होंगे ना, कन्हैया अंगुल भर करके उसका झूठा निकाल करके कृष्ण खाते हैं, हैं? और अगर नंद बाबा कृष्ण बलराम को गोद में लेकर के जब कभी कड़ी भात खाते हैं, एक कोर कन्हैया को
एक और दाऊ भैया को और एक और खुद खाते हैं। हाँ, जैसे आप लोग एक पतले में खाते हो ना, मैंने देखा राजस्थानी का लोग ऐसे ही, जैसे नंद बाबा खाते थे एक प्लेट में कृष्ण बलराम और खाते थे, मैंने देखा अभी भी आप राजस्थान का जो लोग है ना अभी भी ये चीज को रक्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको देख कर हम भी जब गांव में रहते थे हमारे सब भाई और पिताजी एक थाली में हम भी खाना खाते थे, अभी वो संस्कृति सब खत्म हो गया, लेकिन अभी देखता हूँ हमारी संस्कृति को कोई रक्षा कर रहे हैं ना, आप लोग राजस्थानी के लोग रक्षा कर रहे हैं। अभी भी अपना सर के ऊपर में कपड़े ढक कर बैठी हो, अभी भी ढक कर बैठी हो, ये बहुत अच्छी बात, ये हमारी संस्कृति बहुत अच्छी बात है, है? इसलिए इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं अभी तुम स्वर्ग का राजा बन गया, अभी प्रजा बन गए, और ब्रज का एक एक धूल में ऐसे चिंतामणि कितने ऐसे इंद्र चंद्र ब्रह्मा शंकर जी को ब्रज का एक रज ही बना सकता है, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर में अभिमान है, अभी इसके अभिमान को दूर करना पड़ेगा। दूसरा कारण, तीसरा कारण है कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्रजवासी और कोई नहीं, कृष्ण से अभिन्न राधा रानी, राधा रानी एक एक भाव को एक एक गोपी रूप दिए, जितने सखा और कोई नहीं कृष्ण ही, वो एक एक ग्वाल वाल बने हैं, इसलिए कृष्ण चाहते हैं ये सब अपना परिवार है, हम चाहते हैं अपना परिवार को साथ में 8-7 दिन तक अपना परिवार को साथ में बिताओ, जैसे आप लोग है ना, आप लोग भी एक परिवार, जैसे भागवत कथा हो रही है, आप लोग थोड़ी थोड़ी दूर रहते हो, अभी 7 दिन तक यहाँ पर एक कटे आए, खूब नाचे गाए, आनंद आया कि नहीं बताओ, आनंद आया कि नहीं आया, आया ना, क्योंकि अपना परिवार को साथ में मिले ना, इसलिए कृष्ण सोचते हैं ये ब्रजवास मेरे परिवार है, अभी मैं चाहता हूँ परिवार को साथ में, जैसे आप लोगों ने 7 दिन तक कथा सुने हो, प्रभु भी चाहते हैं अपना परिवार को साथ में 7 दिन तक बिताए। बोले कैसे बिताए? बोले जब इंद्र पूजा को मैं बंद करवाऊंगा, इंद्र जब बारिश करेगा फिर मैं गिरिराज के ऊपर हाथ उठा लूंगा, जब हाथ गिरिराज को उठाऊंगा सारे ब्रजवासी कहाँ जाएंगे, उसको नीचे तो आना ही पड़ेगा, और सबके सब आएंगे 7 दिन तक, फिर तो ब्रजवासियों को साथ में बास में खूब कीर्तन भजन और खूब आनंद लेंगे, हैं? इसलिए उन्होंने इंद्र पूजा को बंद कराया। और सबसे जो मूल कारण है कृष्ण क्यों गिरिराज पूजा करवाए, इंद्र पूजा क्यों बंद करवाए, इसका कारण है भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ लीला रासलीला, ये रासलीला उनका सर्वश्रेष्ठ लीला है। अभी कृष्ण चाहते मैं रास करूंगा, लेकिन ये रास तो अकेले नहीं कर सकता हूँ, जब तक ये ब्रज की गोपियां राधा रानी नहीं आए, हैं? इनको साथ में ही रास कर सकता हूँ। एक उदाहरण दिया, अभी उनको लाऊं कैसे साथ में, जैसे एक हीरो एक हीरोइन को आकर्षण करने के लिए अपना तरफ में क्या करता है, वो हीरोइन को सामने कुछ लोगों को इकट्ठा करेगा और उनको साथ में खूब मारपीट करेगा और मारपीट करके सबको परास्त कर देगा, वो हीरोइन बोलेगी बाबा रे बड़ा बहादुर इसके अंदर में, फिर वो हीरोइन उसके ऊपर में आकर्षण हो जाता है। बोले ब्रज का हीरो कौन है, ब्रज का हीरो कौन है, कन्हैया, यही ब्रज का हीरो। बोले ये हीरोइन कौन है, कहते राधा रानी गोपियां हीरोइन, इसलिए कृष्ण सोच रहे भैया ये हीरोइन को मैं आकर्षण कैसे करूं, इसलिए प्रभु को दो लीला करना पड़ा। बोले एक लीला तो उन्होंने कालियों को सर पर नृत्य किया है, ये कालियों को था सब फण, और ये काली अब एक साथ में कृष्ण को एक साथ में काटना चाह रहा था, लेकिन कृष्ण ने एक सर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, कृष्ण जब नृत्य कर रहे थे कृष्ण सौ फणों को बचाते हुए, उसी समय में तांडव नृत्य प्रारंभ हो गया, स्वर्ग से सारे देवता लोग प्रकट हो गए, प्रकट होकर के कोई मृदंग कोई मजीरा कोई करताल कोई ढोलकी कोई पखवाज कोई हारमोनियम कोई क्यासी और सबके सब बजा रहे थे, और कृष्ण बड़े सुंदर नृत्य कर रहे थे। बोले कैसे नृत्य कर रहे थे, सूरदास ने बताए, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, 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 पम 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 पद पद गत पम 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 पद 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 पद
अभी कृष्णा जब नृत्य कर रहे थे, शंकर तो सोच रहे थे भैया सबसे बढ़िया नाचने वाले मैं हूँ, क्योंकि शंकर जी का एक नाम नटवर है, नटराज है, हैं नटराज है। लेकिन आज भगवान को नृत्य को देख करके बोले बम बम बलिहारी, प्रभु आपकी बलिहारी हो, प्रभु आपके जय जयकार हो। हाँ शंकर भी जहाँ पर बोले प्रभु आज से मैं तो नटराज हूँ, आज से आप नटवर हो। इसलिए उन्होंने एक लीला की जिसको गोपियों ने देख करके बोले भैया हम तो बड़े बड़े नृत्यकार देखे, कोई रस्सी के ऊपर नृत्य करते, कोई गिलासिया के ऊपर, कोई तलवार के ऊपर में, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कोई सांप का सर के ऊपर कोई नृत्य करे। प्रभु ने एक लीला की। दूसरे लीला की क्या की, उन्होंने गिरिराज को धारण किया। अब बताओ कृष्ण जब गिरिराज को उठाया, कृष्ण का उम्र कितना था? 7 साल। बाबा सब पढ़ लिया, कृष्ण का उम्र था 7 साल की, और गिरिराज का कितना, गिरिराज कितने बड़ी थी? 7 करोड़ की। और कितने दिन तक उन्होंने गिरिराज उठाया? 7 दिन तक। देखो हम लोग है ना, जिसको तिसको भगवान बोलना शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी कोई सिद्धाई देखी बात, अमुक भगवान, अमुक भगवान, अमुक भगवान, बोले भगवान भैया कन्हैया को छोड़कर कोई भगवान नहीं, हमारे राम नारायण को छोड़कर कोई भगवान है ही नहीं, नरसिंह देव को छोड़कर कोई भगवान नहीं है। आपको बोला 10 मिनट हाथ को ऐसे रखो, कर सकते हो? 1 मिनट रखो ना, हाथ दुखना शुरू हो जाएगा, हाँ हाथ दुखना शुरू हो जाएगा, हाँ। अगर बोले जो 10 मिनट रखो, अगर किसी कष्ट से 10 मिनट रख लो ना, अगर बोले 20 मिनट रखो फिर क्या होगा? लेकिन कृष्ण ने कितना दिन तक हाथ को ऐसे ऊपर किया? 7 दिन तक। कौन कौन गिरिराज को दर्शन किया, हाथ उठा तो कौन गिरिराज को दर्शन किया? दर्शन किया पहले तो गिरिराज बहुत बड़ी थी, अभी तो धीरे 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 नीचे जा रहे हैं गिरिराज गोवर्धन, लेकिन इतने बड़े गिरिराज को जिसमें 84 ब्रज मंडल के सारे ब्रजवासी जिसका नीचे आश्रय लिया है, इतने बड़े गिरिराज को उन्होंने उठा दिया, उन्होंने हैं, ये भगवान है। अगर जिसको अभी हम भगवान भगवान कह रहे हैं, गिरिराज की बात छोड़ दो, एक 10 क्विंटल की एक पत्थर लिया, केवल एक 10 क्विंटल की पत्थर उसका सर पर रख ली, देखो कितना बड़ा भगवान फिर पता चलेगा। भगवान ने अग्निपान किया, अभी कालियों को सर पर नृत्य कर रहे थे ना, वो कालिया हृदय का पानी ऐसे उबलता था, आसपास में कोई पेड़ पौधा नहीं था, सब खत्म हो गया था, ऊपर में कोई चिड़िया तक भी उड़ करके नहीं जा सकते थे, ऐसे उसकी जहरीला, लेकिन कृष्ण वहां पर नृत्य किया है। अभी किसको मुंह में थोड़ी सी जहर डाल दो तो फिर पता चल जाएगा भैया भगवान कितने बड़े। इसलिए अभी भगवान की डेफिनेशन है ना हमें पता ही नहीं, इसलिए ये भगवान ये भगवान ये भगवान बोलना शुरू कर देते। इसलिए शास्त्र में बताया भगवान कौन है, बोले जिसको अंदर में 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप में हो। कितना ऐश्वर्य हो? 6 गुण हो वो भगवान है। बोले भैया वो क्या क्या चीज, देखो ध्यान देकर सुनो, अच्छे तरह से नहीं भ्रमित हो जाओगे। पहला ऐश्वर्य बोले समग्र ऐश्वर्य, मतलब विश्व ब्रह्मांड का जितने ऐश्वर्य का जो मालिक हो, जो मालिक हो विश्व ब्रह्मांड का सारे ऐश्वर्य में। अभी सुदामा के चरित्र सुनोगे ना, 2 मुठी कृष्ण तो चिड़वा खाए, कृष्ण इच्छा करते ही पूरा वृंदा पूरी ही सोने के सोने महल बन गया। जब कृष्ण समुद्र को बीच में गए,
एक रात रात सोने की द्वारका खड़ी हो गई और जितने थे सबके सब वहीं पर चले गए, मथुरा वासी वहीं पे चले गए। इसलिए ये भगवान है जिनकी इच्छा मात्र से सब कुछ सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाए। हरे कृष्ण। आप लोग थोड़ी सी आगे आ गए, और थोड़ी थोड़ी आगे आ गए, थोड़ी सर एक एक गोपी तो दो दो गोपियों का जगह को दखल करके बैठे, थोड़े से खिसक खिसक कर बैठ जा और थोड़े आगे आ जाओ, कोई कोई खिसक नहीं रहे, बर्फ जैसे जम गए सब के सब। और थोड़े थोड़े आगे और तरफ, पीछे जो है वो खिसक नहीं रहे, पीछे जो बैठे हुए आगे आ जाओ, आगे वाले तो आ रहे हैं, और वो आगे आ जाओ, और वो आगे आ जाओ, पीछे लोग बैठ जाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ हमारे फुकाराम प्रभु जी कहाँ गए? फुकाराम प्रभु जी फुकाराम कहाँ है? फुकाराम जी अंदर गए, ठीक है। बोला अगली बार उसको और थोड़ा बड़ा बना दिया। हरे कृष्ण हरि बोल। वृंदावन बिहारी प्रभु जी, हम ये बता रहे थे इतने भक्त लोग का बैठने का जगह नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा था फुकाराम प्रभु को, बोले इसको थोड़ा और बड़ा बना दिया। हरे कृष्ण। इसलिए बोले समग्र सस्य ऐश्वर्य, सारे रुपया पैसा का जो मालिक है, बोले बीर्ज से, बीर्ज मतलब पराक्रम। आप लोग सुन रहे थे ना, कृष्ण जब 6 दिन का थे पूतना कुमारी, जब कृष्ण 1 महीना के हो गए उन्होंने त्रिनाव्रत को मार डाले, 3 साल में शकटासुर को मारी, जब 4 साल में बकासुर को, 5 साल में उन्होंने अघासुर को मारी, 6 साल में कालियों का सर पर नृत्य की, 7 साल में गिरिराज उठा दिए, और 8-9 साल में कंस को पछाड़ डाले, कंस को जरासंध को पछाड़ डाले। कहते ये भगवान है सारे बीज का, सारे ताकतवान जो हो। हाँ बीज बोले जस, जिसकी महिमा केवल भारत में नहीं, केवल पृथ्वी में नहीं, संपूर्ण भूर भूग मोह जन तप वैकुंठ और वृंदावन तक जिनकी महिमा, विश्व ब्रह्मांड में जिनकी जस हो। और श्री श्री मतलब सुंदरता, देखो ये चीज को ध्यान दो, श्री मतलब सुंदर, जिनसे सुंदर पृथ्वी में और कोई नहीं। इसलिए कभी कभी ब्रज गोपियां कृष्ण को ताना मारते थे, बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कटे जाती करण, बोले अच्छा हुआ तेरे को परमात्मा ने लाली नहीं बना कर लाला बना दिया, तू इतने सुंदर अगर तू लाली बताए ना, ये दुनिया में तेरे को पाने के लिए, हाँ दुनिया में तेरे को पाने के लिए, अगर पद्मावती को पाने के लिए इतने लड़ाई हो, इतने लड़ाई हो, कृष्ण कितने सुंदर है जो मदन मोहन है, कहते अगर तू लाली होती ना विश्व ब्रह्मांड में तेरे को सब पाने के लिए जितने क्षत्रिय हो आपस आपस में मर जाते लड़ाई करके, इतने सुंदरी कौन है, कहते कृष्ण इतने सुंदर है। और जो कृष्ण है देखो एक चीज समझो, भगवान समझो कभी बूढ़े नहीं होते, कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते, उनका कहीं तस्वीर देखो 14.5 साल से प्रभु का उम्र कभी ज्यादा नहीं, कभी उनको दाढ़ी नहीं, कभी उनका मोच नहीं हुआ है, कभी उनके कभी मोच नहीं, कभी दाढ़ी नहीं, और भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। लक्ष्मी कभी बूढ़ी नहीं होती, लेकिन जो बूढ़े बूढ़ी होकर मर गए, और भगवान जो कभी मरते नहीं, कृष्ण पूरा ब्रजवासियों को लेकर के, पूरा धाम को लेकर के आए और धाम को लेकर गए। आप लोग रामायण देखे होंगे, राम कैसे गए हैं, सबके सब सरयू नदी में नहा रहे हैं, उधर से वैकुंठ से रथ आ रहे हैं, इधर डुबकी लगा रहे हैं, और उधर चतुर्भुजों को धारण करते हुए सीधा भगवान पूरा अयोध्या वासियों को लेकर के अपना धाम में जाते, ये भगवान है। जैसे तैसे कोई थोड़ी नौकरी दे दी, थोड़ी बड़ी बीमारी सही कर दी, और ये तो सब जादूगर लोग दिखाते रहते, बड़े बड़े जादूगर सब दिखाते, इसलिए ये भगवान नहीं। इसलिए आप भ्रमित तो होकर के जिसको तिसको भगवान मत कहा करो, है भगवान तो केवल हमारे कृष्ण है, भगवान राम और नारायण ये हमारी भगवान, और कोई भगवान नहीं। हम भगवान का डेफिनेशन हम नहीं जानते हैं, इसलिए जिसको जिसको हम भगवान बोल देते हैं। इसलिए कृष्ण श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने धारण कर लिए, और गोपियां जिनकी सौंदर्य की जिनके पराक्रम को देख करके बोले बाबा रे
हमने बड़े बड़े पराक्रम को देखा, लेकिन सात रात सात दिन और कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में, कनिष्ठ अंगुल नहीं नख को ऊपर में गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। गोपियां तो उनकी चरण में लूट गई, गोपियां बस उनकी रासलीला हो, उनकी रासलीला हो गई। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण इंद्र पूजा बंद करा के श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई। जब सात दिन बीत गया, जब गिरिराज गोवर्धन पूजा हो गई, इंद्र ने सोचा ये ब्रजवासी हर साल मेरी पूजा करते थे, मेरे को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते थे, लेकिन इस साल तो कोई पूजा की कोई नाम गंध तक भी नहीं। उन्होंने एक दूत को भेजा, जा करके देख करके आओ ये ब्रजवासी कर रहे हैं क्या। उसने आ करके देखा, इंद्र के लिए जितने लड्डू कचौड़ी मालपुआ दाल बाटी चूरमा बना था ना, वो सब कुछ लेकर के श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवा रहे हैं। इसको सुन करके इंद्र को बड़ा क्रोध आया, बोले पूरा ये ब्रजवासियों को, ब्रज को हम तसनस कर देंगे। उन्होंने 49 पवन संबर तक मेघ और उनको आदेश दिया, ऐसे ओले गिराओ, ऐसे बारिश हो, जैसे ये पूरा ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए। मानो ब्रज में प्रलय आ गया, हाथी के सूंड जैसे मूसलाधारा से बारिश हुई, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, आंधी तूफान। सारे ब्रजवासी कृष्ण को शरण में गए, बोले कृष्ण तेरे बात सुन करके देख, हमने इंद्र पूजा बंद करवाया, देखो ये क्या नटखट हो रहा है, ये क्या गड़बड़ी हो रहा है। बोले चिंता क्यों करते हो, हम सबके सब गिरिराज की पूजा की, गिरिराज हमारी लाज बचाएगा, चलो सबके सब गिरिराज की तलहटी में जाते हैं। और जैसे एक बच्चा एक छतरी को धारण कर ले, कृष्ण ऐसे ही कनिष्ठ अंगुल पर श्री गिरिराज को उठा लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की, अरे जोर से जयकार, इतना भक्त लोग आए हो, कुछ कुछ भक्त लोग तो चुपचाप बैठे थे। हाँ बोले श्री गिरिराज महाराज की, अभी लग रही कथा बोली, इसलिए सबके सब गिरिराज की तलेटी में सबके सब आ गए और नाच रहे हैं, गा रहे, आनंद ले रहे। सात दिन इंद्र ने पूरा ताकत लगा दी है। इतने में एक दूत को भेजा, भैया देख करके आओ ब्रज में क्या हो रहा है। वो दूत केवल ऊपर ऊपर देख करके गया, बोले महाराज एक चिट्ठी तक अभी नहीं, सब खत्म। दूसरे दूत को भेजा, देख करके आओ ये क्या कर रहे हैं। दूसरे दूत को भेजा तो देखा वहां पर तो धूल उड़ रहा है, वहां पर एक चिट्ठी तक भी नहीं मरे। ब्रजवासी तो वहां आनंद ले रहे हैं, कृष्ण का मुख कमल को दर्शन करते हुए, वहां तो धूल उड़ रहा था और सबके सब होली की कीर्तन में मस्त थे। बोले आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया भरे होरी रे रसिया, होरी रे रसिया भरे होरी रे। आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में रसिया, गाना के हाथ कनक की तारे।
जब उसने वापस गया इंद्र ने कहा ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया नहीं हो गया क्या नहीं बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश तेरा ही सत्यानाश हो गया बोले मतलब बोले जिसको तू तो बालक समझ रहा था ना वो तो गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठ अंगुल पर धारण कर लिया इंद्र ने ध्यान लगाया तो ये कौन है बोले भैया मेरे प्रभु है जो कृपा करके बलि महाराज से हमें ये इंद्र पद दिया था बलि तो मेरे इंद्र पद को ही छीन लिया था इन्हें नहीं कृपा करके दिया सोचा गया मेरी इंद्र पद फिर गुरु जी को शरण में गया गुरु जी बोले मैं नहीं कुछ कर सकता फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण में गए बोले तुमने सर्वनाश कर दिया कुछ दिन पहले मैं भी बड़े बुरे तरह से फंस गया था बोले आप भी फंस गए थे बोले हाँ बोले कैसे बोले एक समय कृष्ण सखाओं को साथ में गैया चरा रहे थे और बैठ करके आपस आपस में नाश्ता कर रहे थे भोजन कर रहे थे और कृष्ण सबका झूठन खा रहे थे मैंने कहा ये कैसे भगवान सबका झूठन खा रहा है इतने में आगे लीला देखने के लिए कृष्ण का बछड़ और सखा को मैंने चोरी की और एक गुफा में बंद कर दी गुफा में बंद करके जब मैं अपना ब्रह्म लोक में पहुंचा वो पहुंचने से पहले कृष्ण ही ब्रह्मा बन करके मेरे गति को छीन लिए और दरुआन को बोल दिए देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए अगर मेरे जैसे कोई आए तो घुसने मत देना कृष्ण ही ब्रह्मा बन करके बैठी गए इतने में जब ब्रह्मा खुद गए उसका जो नौकर थे ना जो गेट कीपर थे वो डंडे लेकर के तो ब्रह्मा जी को भगाया बोले प्रभु तो सही बता रहे थे हमारे तो ब्रह्मा अंदर में ये कहां से आ गए ब्रह्मा जी ने देखा हे भगवान मेरे नौकर मेरे को भगा रहे पर ये ब्रह्मा कौन बैठ गया बन करके ध्यान लगाया तो प्रभु ही स्वयं ब्रह्मा पद को दखल कर लिए और उनको ब्रह्मा पद से निकाल दिया उनको फिर जब वहां से वापस आए हैं गड़बड़ी करके गए देखा कृष्ण एक साल पहले जैसे लीला कर रहे थे ना एक साल बाद में वैसे लीला कर रहे एक साल बीत गया बोली ये क्या मैं तो उनको गुफा में बंद करके रखा हूँ शायद वहां से ले आए वहां जा करके देखा नहीं प्रभु वैसे लीला कर रहे फिर इधर आए दोनों तरफ जब एक साथ में चार सर था दो सर से दिखा तो देखा कृष्ण जितने ग्वाल वालों को लेकर के लीला कर रहे ये और कोई नहीं कृष्ण ही स्वयं ग्वाल वाल बनेंगे कृष्ण ही स्वयं सखा सब बनेंगे हैर ब्रह्मा जी समझ गए भैया ये मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी की ये मेरे पिता है तो कृष्ण के चरण में उन्होंने प्रणाम करते हुए आंखों का आंसुओं से ठाकुर जी की चरण को उन्होंने अभिषेक की और भगवान को उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की देखो उनका स्तुति तो बहुत है हम दो श्लोकों को सुनेंगे अब ध्यान देकर सुनो बहुत अच्छी दो श्लोक है अगर ये दो श्लोकों को सुन लेंगे ना समझो हम बहुत बड़ी ज्ञान मिलेगा पहला श्लोक में कहते हैं बोले ज्ञानी प्रयास मुदुपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतंग भवदीय वार्ताम स्थाने स्थितम श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी जे प्रायस अजित जित भी स्तैलोक्याम इसका मतलब है भगवान का एक नाम अजित अजित मतलब जिनको कोई जीत नहीं सकते जिनको कोई पा ही नहीं सकते प्रश्न होता है क्या फिर प्रभु हमें मिलेंगे नहीं हमें प्रभु क्या मिलेंगे उनका नाम ही अजीत है तब क्या हमें मिलेंगे नहीं बोले हाँ मिल सकते हैं बोले कैसे मिल सकते हैं बोले पहले बोले ज्ञान प्रयास मुद्दुपास्य तुम्हारे अंदर में जो अभिमान है ना पहले सारे अभिमान को छोड़ो हमने पीएचडी की एमए की डॉक्टर की डॉक्टरेट की और हमने डबल एमए कर दिया हमने भैया जितने अभिमान को त्याग दो ब्रह्मा कहते हैं बोले क्यों बोले तुम तो इंसान हो ये दुनिया की मैं कौन हूँ तुम्हारे पास एक सर मेरा चार सर है मैं क्या करता हूँ ये दुनिया को सृष्टि करने वाली ये दुनिया को लेकिन मैं भी अपना बुद्धि से प्रभु को मैं भी पहचान नहीं पाया हाँ देखो और छोटी स्टोरी सुनाओ कृष्ण कौन है
एक दिन ब्रह्मा जी मन में अभिमान आया, किस चीज में? ब्रह्मा क्या काम करता है? दुनिया को सृष्टि करता है। अगर जैसे टाटा बिरला रिलायंस कंपनी वाले, अंबानी कंपनी वाले, उनको जो छोटी छोटी व्यवस्था, कोई थोड़ा बड़े बड़े धनी पैसा वाले, आप उनको देखना वो कितना बिजी रहते हैं। जैसे आप लोगों का, जैसे आपका फैक्ट्री में 100 लोग काम करते होंगे, अगर आपको पता होगा कितना बिजी है। लेकिन ब्रह्मा क्या करते हैं, केवल ये भारत नहीं, पृथ्वी नहीं, ये ऊपर में 7 लोग सृष्टि करने वाले, समझो वो कितने बड़े काम करते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी सोचे, भैया मैं इतना बड़ा दायित्व को संभालता हूँ, भगवान कभी तो थोड़ी सी थैंक यू तो कभी बोले। इतना तो बोले, भैया तू इतने बड़े काम को संभालते हो, धन्यवाद तेरे को, इतने बड़े, भगवान कभी थैंक यू नहीं बोलते। बल अगर मैं एक महीना का छुट्टी ले लूंगा ना, जब ये काम को भगवान को खुद करना पड़ जाए, फिर पता चलेगा भैया मैं कितना बड़ा काम करता हूँ। एक दिन ब्रह्मा जी के मन में अभिमान आया, बोले भगवान से एक महीना छुट्टी लेकर के जाता हूँ, छुट्टी लेकर के जाता हूँ। ब्रह्मा जी सोच रहे थे भगवान तो कम से बोलेंगे, भैया एक महीना क्यों, थोड़ी सी कम ले लो। लेकिन ब्रह्मा जब आए कृष्ण को बोले, प्रभु जी मैं एक महीना छुट्टी लेना चाहता। भगवान बोले कोई बात नहीं, छुट्टी लेकर जाओ, भगवान कुछ भी सोचे नहीं, जाओ छुट्टी लेकर जाओ। ब्रह्मा जी बोले प्रभु कुछ भी नहीं बोले। ब्रह्मा जब अंदर से आ रहे थे ना, ब्रह्मा सोच रहे थे शायद यही ब्रह्मांड ही सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मांड, जिसका रचयिता मैं हूँ, मेरे चार सर है। जब ब्रह्मा जी अंदर से आ रहे थे, देखा 8 सर वाले एक ब्रह्मा बड़े तेजी से अंदर में जा रहे थे। बोले भैया मैं तो सोच रहा था सबसे बड़ा मैं हूँ, देखा ये 8 सर वाले ब्रह्मा कहीं अंदर से बड़े तेजी से जा रहे थे। ब्रह्मा जी रोकने के लिए कोशिश की, भैया तू कहाँ से आया, इतने बड़े ब्रह्मा कहाँ से आए? रोकने के लिए कोशिश की, बोले मेरे पास में समय नहीं, पीछे ब्रह्मा जी से पूछो। देखा वहां पर 16 सर वाले ब्रह्मा जी आ रहा है। बोले भैया उससे तो डबल है। उनको भी रोकने के लिए कोशिश की, बोले मेरे पास में समय नहीं, पीछे ब्रह्मा जी से बात करो। देखा भैया 32 सर वाले ब्रह्मा, बोले अरे ये तो डबल है। उनको भी रोकने के लिए कोशिश की, बोले पीछे ब्रह्मा जी से पूछो। उनने देखा 64 सिर वाले ब्रह्मा, फिर 1000 सर वाले ब्रह्मा, 1010 सर वाले शंकर, 20 सर वाले शंकर, 1000 सर तक शंकर ब्रह्मा लाइन लाइन लगे हुए। जिसको भी रोकने के लिए कोशिश करे, कोई भी रोक नहीं रहे। बोले पीछे ब्रह्मा से पूछो। सबसे जो पीछे ब्रह्मा जी थे ना, बड़े हाथ पांव जोड़ करके उनको रोके। बोले भैया तू कहां से आ रहे हो, इतने बड़े बड़े ब्रह्मा, और कहां जा रहे हो? देखो ब्रह्मा क्या कहते हैं, बोले हे ब्रह्मा, तुम जिस दुनिया की ब्रह्मांड का तू ब्रह्मा हो, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। हम लोग जहां से आ रहे हैं, भगवान की एक एक लोभ कुप में, एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिनकी एक एक लोभ कुप में विद्यमान, हम सब उसी ब्रह्मांड से आ रहे हैं। बोले इतने तेजी से अंदर में कहां जा रहे हो? बोले देखो कभी हमारी मन में अभिमान हो गया था, जे हम इतने बड़े ब्रह्मांड तो संभालते हैं, लेकिन भगवान कभी हम थैंक यू नहीं कहते, कभी नहीं बोलते, बड़ी बहावा नहीं देते भैया इतना बड़ा काम करते हो। कभी हमारे मन में अभिमान आया, हमने सोचा अगर एक महीना छुट्टी लेकर के अगर जाए, जब प्रभु को ये काम करना पड़ जाए ना, फिर प्रभु को पता चलेगा मैं क्या करता हूँ। और फिर बोले जब हमने छुट्टी ली ना, हमको पूरा छुट्टी हो गई, फिर नौकरी हमें नहीं मिल रही है, फिर अंदर में क्यों जा रहे हो? बोले हमने सुना कोई एक ब्रह्मा जिसकी मन में ये अभिमान आ गई और उसने ये पोस्ट खाली हुआ। आज 1 बजे हम कथा विश्राम दे देंगे, अब लोगों को जल्दी जल्दी जाना है ना। 1 बजे तक सुनोगे कि नहीं, कि और ज्यादा सुनोगे? देखो कथा हम इतने जानते हैं ना, आप लोग तो 2-3 घंटा के लिए आते हो। पहले कैसे कथा होती है आपको पता है? सवेरे 4 घंटा और शाम को 4 घंटा कथा होती थी,
बीच में कोई कीर्तन नहीं होती थी, तभी किसी तरह से ये कथा समाप्त, किसी तरह से कथा को विश्राम करते थे। अभी तो हम केवल समझो 2 घंटा कथा होती है, कभी कभी 1.5 घंटा, और उसमें तरह कीर्तन हो जाती है, फिर इतने कथा में कहाँ कथा खत्म हो जाएगी, इसलिए असंभव है। इसलिए हमें पूरी भागवत नहीं सुनाया, मैंने मैंने कथा को सुना दी, तब भी आज कोशिश करेंगे आपको जल्दी जल्दी, आज भंडारा भंडारा है। हाँ, हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, कई कृष्ण रुक्मिणी किसको बनाया है, बनाया है कृष्ण रुक्मिणी कि नहीं बनाए, कृष्ण रुक्मिणी किसको बनाया कि नहीं बनाया, कहाँ है वो बच्चे लोग, वो सीढ़ी में बैठे हैं। ठीक है, हम जल्दी जल्दी कथा खत्म कर दें। इसलिए ब्रह्मा जी ने बोले, मैंने सुना है ऐसे किसी ब्रह्मा जी के मन में अभिमान हुआ, उसने छुट्टी लिया है, अभी उसका पोस्ट खाली है, इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, जितने जल्दी जाएंगे ना उतना जल्दी हमें वो पोस्ट मिल जाएगी। फिर तो ब्रह्मा सर पकड़ करके वहीं पर बैठ गया, कृष्ण रुक्मिणी पीछे बैठ जाओ, जो कृष्ण रुक्मिणी बने ना पीछे, यहाँ अंदर पीछे बैठ जाओ, आपको बुलाएंगे तो आप लोग आना, हरे कृष्णा। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं, देखो भगवान कृष्ण की ऐसे विभूति है, समझो ये भगवान है, भगवान साधारण नहीं, इसलिए जिसको तिसको भगवान नहीं बोलनी चाहिए। भगवान कौन है, कौन है कृष्ण भगवान, हाँ ये ब्रह्मा जब स्तुति करते हैं ना, कहते जस्य प्रभा प्रभवतो जग दंड कोटि कोटिसु अशेष वसुधातु विभूति वर्णम, ये ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, बोले प्रभु जिनकी एक एक लोभ रूप में एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ ब्रह्म विश्व ब्रह्मांड एक एक लोभ रूप में जिनके विद्यमान है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर जीवन में जो कुछ आए उसको हंसते हंसते भोग लो, और किसी को पर दोष मत लगाए करो, भैया अमुक वजह से हमको ये हुआ, अमुक ने हमारे लिए ऐसे कर दिया, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करते, हमने जैसे कर्म किया वो कर्म का फल हम भोग कर रहे। आप बताओ अगर नीम का बीज बोएंगे तो वहां कौन सा पेड़ आएगा, क्या चीकू का पेड़ आएगा, अगर आम का गुठली बोएंगे तो कौन सा वृक्ष आएगा, आम की। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, हम जीवन में जो जो कर्म किया है कर्म का अनुरूप हम फल भोग कर रहे हैं, कभी किसी को ऊपर दोष मत लगाओ। जैसे किसी व्यक्ति को बोले भजन करो माला जप करो, बोले अभी क्या उम्र हुआ भजन करने के लिए, अभी तो बेटा बेटियों को शादी करवाएंगे, शादी करके जब नाती पोती हो जाएंगे, फिर तो जब सारे झामला खत्म हो जाएगी ना, फिर तो सारे काम को निपटा करके भजन करूंगा। बोले भैया तू खुद निपट जाओगे, तेरी काम कभी नहीं निपटेगा, अभी तो वो दुनिया का काम का सिर्फ निपटा है, किसका, किसी का काम नहीं निपटा है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, स्थाने स्थितां श्रुति गतां तनुवांग मनोवी, भगवान जिस अवस्था में तुम्हें रखे उसी अवस्था को सबसे बढ़िया अवस्था समझो, आगे अगर बढ़िया अवस्था आएगी स्थिति भगवान की भक्ति से आएगा, और कोई उपाय नहीं। इसलिए हम कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। जब भगवान की हम भक्ति करेंगे, भगवान की भजन करेंगे, आगे काम अपने आप होते जाएगा, क्यों कराने करने वाले कोई, लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं बहुत सारे पैसा कमा ले फिर भजन करेंगे। अगर भगवान अगर 1000 हाथों से तुमको दे, बताओ 2 हाथ से तुम कितने ले पाओगे, अगर ठाकुर जी तुम्हें 1000 हाथों से दे, बताओ 2 हाथ से कितना ले पाओगे, अगर ठाकुर जी 1000 हाथों से ले तो बताओ 2 हाथ से कितने तुम कमा पाओगे, नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान हर तरह से, ठाकुर जी कहते ना, एक कदम बढ़ाओ मैं तेरे तरफ में 10 कदम बढ़ाऊंगा, अगर एक कदम बढ़ाओगे नहीं 10 कदम ठाकुर कहाँ बढ़ाएंगे तुम्हारी प्रति। इसलिए जब उनकी भक्ति करोगे भजन करोगे, देखो हमारे गुरु जी की कथा सुनो, हमारे जो बड़े गुरु जी है ना, उनका तस्वीर है कहीं, देखो ये बड़े गुरु जी की कथा सुनो, हमारे बड़े गुरु जी, हमारे बड़े गुरु जी पुलिस ऑफिसर थे, हमारे बड़े गुरु जी वो बिहार के थे, पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन वो बड़े सत्संगी, कहीं भी साधु आए ना वो जरूर कथा सुनने के लिए जाते थे, उनको पता चला कोई एक अच्छे संत आए कथा सुनाने के लिए, लेकिन उनको ड्यूटी थी, वो सत्संग में चले गए ड्यूटी छोड़ करके, लेकिन बाद में उनसे जो बड़ा ऑफिसर था वो चेकिंग करने के लिए आए, ये लोग काम कर रहे कि नहीं, जब चेकिंग करने के लिए आए, अभी तो गुरु जी गए हुए सत्संग में, इतने में कृष्ण स्वयं हमारे गुरु जी का रूप धारण किया,
और वो बड़े दूर से जो बड़ा पुलिस ऑफिसर देख रहा था, ये ड्यूटी दे रहा है ना, ठग रहा है, उसने देखा वो इतने सिंसियर होकर के इतने बढ़िया ड्यूटी दे रहा था, इधर भागना मैनेजमेंट करना, इतने जो दूर से जो बड़ा ऑफिसर देख रहा था ना, बोले भैया बहुत अच्छा बढ़िया काम करता है, इसका पोस्ट और थोड़ा ऊंचा कर देनी चाहिए। लेकिन गुरु जी नहीं थे, वो कृष्ण स्वयं कर रहे थे। गुरु जी बाद में जब आए, उनको पता चला, उनसे जो बड़ा ऑफिसर वो चेकिंग करने के लिए आया था, लेकिन गुरु जी तो पता, मैं तो सत्संग में गया हुआ था, उनने सोचा शायद मेरी नौकरी जाएगी। जब दूसरे दिन उन्होंने आए, वो बोलने से पहले जो बड़ा पुलिस ऑफिसर उनको बोले, तिवारी जी, उनका नाम तिवारी ब्राह्मण, बोले तिवारी जी तुम्हारी ड्यूटी में मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं देख रहा था स्वयं तू कितने सिंसियर रूप में ड्यूटी दे रहा था, इसलिए तुम्हारी पोस्ट को मैं चाहता हूँ और थोड़ा ऊंचा पोस्ट तुमको दे दूँ। गुरु जी बोले भैया मैं तो कल था ही नहीं, तो माफी मांगने के लिए आया था, जब मैं कल गया था सत्संग में और मैं तो माफी मांगने के लिए आया था, ये क्या कह रहे हैं, मैं बहुत बढ़िया से ड्यूटी दे रहा था। लेकिन गुरु जी तो सत्संगी थे, उनको पता चला, कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में, हे अर्जुन मेरे तरफ में कोई एक कदम बढ़ाए, मैं उनके तरफ में 10 कदम बढ़ाता, भगवान खुद कहते हैं, इसलिए तो से कृष्ण स्वयं, ये मेरी ड्यूटी कृष्ण स्वयं दिए है। उसको बाद में गुरु जी ने फिर नौकरी से रिजाइन दे दिए, और रिजाइन देकर गुरु जी फिर अपना बड़े गुरु जी को पास में आए, और इतने साधन भजन गुरु जी ने किया, इतने कठोर साधन भजन किया, संपूर्ण पृथ्वी में उन्होंने महाप्रभु का वाणी को संपूर्ण पृथ्वी में उन्होंने प्रचार किया। लेकिन हमारा विश्वास नहीं भगवान के ऊपर में, हमारा विश्वास तो पैसा के ऊपर में, इसलिए क्या करना, सवेरे उठ करके नहा धो करके कुछ माला जप करो, कुछ माला जप करो, भगवान की भक्ति करोगे ना, काम बढ़िया से चलेगा तुम्हारी, है काम तुम्हारी बढ़िया से चकाचक चलेगा, ठाकुर जी की आशीर्वाद से बढ़िया से चलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, ठाकुर जी जिस स्थिति में रखे, उस स्थिति में रहते हुए, उसमें प्रसन्नता होते हुए भगवान की भक्ति करते रहो, और कभी किसको पर दोष मत लगा। हाँ, और एक दो चीज सुन लो, जैसे कभी कभी भक्ति जब करते हैं, अगर थोड़ी बहुत जीवन में कोई विपत्ति आ जाए ना, फिर भगवान को पर दोषारोप करना शुरू कर देते हैं, अरे हमने इतने प्रभु का भजन किया, भक्ति किया, दिन भर याद किया, ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे करते हैं, नहीं, ठाकुर को पर में कभी दोष मत लगा। देखो एक दो मैं कहानी सुनाता हूँ, ये चीज को दिमाग में बैठा दो। एक समय में दो भाई थे, एक भाई तो पूरा नास्तिक, भगवान को नहीं मानता है, और एक भैया खूब भगवान की भक्ति करे। अभी जो भैया भक्ति करता है, दूसरे भैया को समझाता, बेटा तू भी भजन कर, दोनों भाई एक साथ में रहते हैं, आनंद में रहेंगे। लेकिन वो मानता है नहीं, बोले बेकार दिन भर किया, माला लेकर बैठते हो, पत्थर को सामने किया, दिन भर बैठ कर करते हो, बेकार समय को बर्बाद कर रहे हो। एक दिन दोनों को निमंत्रण आया, दोनों जा रहे थे, जाते समय जो भगवान को नहीं मानता था उसको एक सोने की मोहर मिल गया, मिल गया तो बोला देख लिया तू तो इतने राम राम कृष्ण कृष्ण कर, तेरे को क्या मिला, मेरे को सोने की मोहर मिल गया। उसने देखा भैया सच बात है, अभी और थोड़ी दूर गई ना, जो भगवान को भक्ति करता था उसको प्यार में एक लोहे की सीख गड़ गई, गड़ गई तो खून की धारा बहने लगी। बोला देख लिया तुमने, देख लिया कि नहीं, इतने भक्ति करते हो तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला। वो तो बड़ा दुखी हो गया, भगवान को पुकारा, बोले प्रभु दिन रात तेरे को मैं इतने सेवा पूजा करता हूँ, तू मेरे साथ में ऐसे करते हो, देखो कितने बदनामी में हो रहा हूँ। इतने में भगवान आकाशवाणी किया, बोले बेटा ये मत समझो, भक्ति करने वालों को दुख मिलता है और नहीं करने वालों को सुख मिलता है, तुमको पता नहीं पूर्व जन्म का क्या रहस्य है, सुना तुम्हारी पूर्व जन्म की कथा। ये जो अभी जिसको एक सोने की मोहर मिला, पूर्व जन्म में उसने बहुत दान पुण्य किया, आज का दिन उसको राज सिंहासन पर बैठने का था, लेकिन मुझे और मेरे भक्तों को चुगली करता है, निंदा करता है, उसको सारे पुण्य मैंने खत्म कर दिए और एक सोने की मोहर देकर के वंचित कर दिया। और तेरी कथा सुन, पहले जन्म में तुमने एक मर्डर किया था, लेकिन इसी जीवन में तुम मेरी भक्ति कर रहे हो, भजन कर रहे हो, अभी तुम्हारी सारे पाप खत्म हो गया, लेकिन थोड़ी सी केवल बाकी रह गई थी, इसलिए तेरे प्यार में एक लोहे का सीख गड़ा करके मैंने तेरे को छोड़ दिया, तेरे केवल इसलिए छोड़ दिया क्यों तुम मेरे भजन करते हो। इसलिए अगर जो प्रभु की भक्ति करते हैं, जीवन में अगर थोड़ी कोई तो कोई दुख आए ना, ये समझा करो जीवन में बहुत बड़ा कहीं कष्ट था,
ठाकुर जी थोड़ी सी देख रहे हमें, हाँ हमें ये चीज समझो। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन नेह विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सल्पमपस धर्मस्य त्रायते महत्वयात्। कृष्ण स्वयं कहते हैं कहते मेरे लिए अगर कोई इतनी सी काम करता है ना उसके लिए मैं इतना काम करता हूँ। इसलिए पुराण में कथा आती है देखो भगवान के लिए थोड़ी सी गर्व क्या मत पे। एक समय ठाकुर की दरबार में किसी ने दिया जलाया, कार्तिक का महीना थी, एक चूहा ने तेल खाने का लोभ से आ गया। जब वो तेल पी रहा था वो दिया बुझने जा रही थी, उसका दांत लग गया बत्ती में और मुंह में आग लगते वो पीछे हटा। पीछे हटते ही वो दिया जो बुझने जा रही थी दिया हो गया तेज और उसको मुंह में लग गया थोड़ी सी आग और उसने चूहा ने दो चार बार छलांग लगा दी। देखो ठाकुर जी कितने दयालु, क्यों हम ठाकुर का कीर्तन में नृत्य करते हैं इसका महत्व बताए। भगवान ने देखा कार्तिक महीना दिया बुझने जा रही थी और ये चूहा ने क्या किया दिया को तेज कर दिया और दो बार तीन बार छलांग लगाए। मानो मेरे को आरती दिखा दोगे मेरे सामने उसने नृत्य किया। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और अगले जीवन में राजकुमारी बन करके जन्म हुई और उसकी हृदय में प्रभु का प्रति भक्ति की भावना बनी रही। प्रभु की भक्ति करते करते ठाकुर उसका अपना गोलोक वृंदावन में अपना पटनाई बना दिया। अगर एक चूहा अगर ठाकुर को सामने छलांग लगाए दो चार बार, अगर दिया एक बार तेज हो गया मुंह में आग लग गई, इसमें अगर इतने पुण्य अगर भक्ति भाव से कर रहे तो आप सोच नहीं सकते हो इसकी कितने पुण्य है। ठीक है ना, इसलिए भक्ति करने वाले व्यक्ति कभी दुखी नहीं होने चाहिए। हाँ और एक चीज समझ लो, इसको दिमाग में बैठा लो फिर तुम दुखी नहीं बनोगे। जैसे हम लोग गांव के थे ना राजस्थान के, गेहूं की खेती होती थी। हाँ देखना गांव में जब गेहूं की खेती होती है एक ड्रम होता है, ड्रम में गेहूं को डाल देते हैं और उसका एक नीचे के छेद रहता है, जितना जरूरत वहां से निकाल करके व्यवहार करते हैं। आप एक आंसर, मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ आप आंसर देना, आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे इसी साल में अपने गेहूं की खेती की, बारिश ही सही नहीं हुआ इसलिए गेहूं की खेती अच्छी नहीं हुई और गेहूं का दाना छोटा छोटा हो गया, आप ड्रम के ऊपर में अंदर में डाल दिया। दूसरे साल में बहुत बढ़िया बारिश हुई और गेहूं की खेती बहुत बढ़िया हुई और गेहूं बड़ा बड़ा हुआ, उसको भी ऊपर से डालो। जब नीचे से गेहूं निकालोगे बताओ पहले कौन सा गेहूं निकलेगा, आप लोग बताओ जोर से बोला। बोले क्यों, आपने बड़ा गेहूं डाला है ना, बड़ा गेहूं डाला ना बड़ा निकलना चाहिए, छोटा क्यों निकलेगा। ये चीज को अच्छे तरह से दिमाग में बैठा लो तब आपको शांति मिलेगी। कभी कभी हम भक्ति करते हैं भजन करते हैं कहते भगवान हमारे साथ में ऐसे किया, इतने पूजा इतना सेवा इतने भक्ति कर रहा हूं, नहीं ये चीज को समझो। हाँ आपने जो बड़ा गेहूं डाला वो भी आएगा लेकिन पहले जो गेहूं डाला है ना कौन सा गेहूं डाला, छोटा वाला। जब छोटा खत्म हो जाएगा फिर बड़ा गेहूं भी आएगा। इसके लिए आपको धीरज धारण करनी चाहिए हैं? पहले अभी हम भक्ति कर रहे हैं, हमें क्या पता पूर्व जन्म में हम क्या करते करता है, हमें कुछ पता ही नहीं। अभी तो भक्ति कर रहे हो, अभी तो भजन कर रहे हो, इसलिए दुखी होनी नहीं चाहिए। खूब भजन करते रहो, भक्ति करते रहो, जितने भक्ति करोगे ना उतना तुम्हारी पाप खत्म होते जाएगी, उतना पुण्य उतना उदय होगा। जितने प्रभु का नाम लोगे भक्ति करोगे उतना ही तुम्हारी जल्दी जल्दी पाप खत्म होगी, जल्दी जल्दी पुण्य उदय होगा। जितने हरिनाम करोगे पाप खत्म होगा पुण्य उदय होगा, बस फिर आनंद ही आनंद आएगा। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं, दुखी नहीं होना। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं अगर जीवन में कोई कष्ट आए तो अस्त अस्त भोग लो लेकिन प्रभु का भजन कभी मत छोड़ो। दुनिया छूट जाए एक दिन छूटेगा लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, ब्रह्मा जी कहते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति की, भगवान को चार बार परिक्रमा कर चले गए। इंद्र जी को ये बात बताए, इंद्र जी सुरभि गावि के अनुगत में गए, फिर उनको लेकर के कृष्ण के शरण में गए, भगवान को माफी मांगे, फिर इंद्र भगवान को चरणामृत से स्नान कराया और भगवान का एक नाम रखा श्री गोविंद भगवान रखा। बोले श्री गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे। हाँ हरे कृष्ण। देखो अभी कथा विश्राम का तरफ में जा रहे हैं, हम लोगों ने कितना दिन तक कथा सुनी है, सात दिन तक। सात दिन तक कथा सुनने के बाद कुछ ले करके जाओ और कुछ दे करके जाओ, क्या करोगे, कुछ लो और कुछ दो। बोले भैया क्या देंगे और क्या लेंगे, बोले जितने गंदी चीज को ही छोड़ करके चले जाओ।
और लेकर किया जाएंगे, बोले भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम यहाँ से लेकर जा, ठीक है ना। बोले गद्दी की चीज क्या छोड़ेंगे, पहला नंबर कली का चार जगह पर स्थान है, पहले जुआ मत खिला करो। धर्म का पहला चरण सत्य है, जो जुआ खेलते हैं कभी वो सत्य बोल नहीं सकते। इसलिए युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो मैं धर्मराज हूँ, देखो जुआ खेल कर कितने सर्वनाश हुए, राज्य गया, भाई गए, भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण दिखना पड़ा, फिर 12 साल तक जंगल में रहे और 1 साल तक विराट राज्य में दासत्व करना पड़ा। भैया कभी भी जुआ में हाथ मत लगाया करो, फिर इतने नीचे तक तुम गिर सकते हो, ठीक है ना। जितने भाई लोग हैं कोई भी जुआ नहीं खेलनी चाहिए, धर्म का पहला चरण सत्य चली जाएगी। दूसरा है किसी तरह का नशीली वस्तु मत लिया करो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब ये चीज को मत लेनी चाहिए। लेकिन अभी दुनिया ऐसे हो रहा है, अगर तुम्हारे बच्चे का बर्थडे शादी है ना, जब तक तुम उनको मांस नहीं खिलाते हो शराब नहीं पिलाते हो ना, बोले ये कौन सा शादी है, तुमने शराब नहीं पिला मांस नहीं पिला, नहीं। देखो आप बुरा मत समझो, एक संत कह रहे थे, बहुत बड़े संत कह रहे थे, जैसे बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, अगर उसी बर्थडे में अगर तुमने शराब पिलाया, अगर मांस पिलाया, वो कहते थे संत, अगर इतने तुमने बोतल तुड़वाया, अगर उसमें इतने जीव हिंसा किया तुम्हारी बच्चे के बर्थडे में, वो बच्चे का कभी कल्याण हो सकता है। वो संत कहते थे अगर उसको उम्र 100 साल होगा ना, वो झट 50 साल उतर आएगा। बोले क्यों, बोले जिस बच्चे के उद्देश्य में तुमने इतने पाप कर्म करवाया, बच्चे का कोई कल्याण हो ही नहीं सकती। हाँ, इसलिए हमारी जो संस्कृति है, हर तिथि में केक काटना हमारी संस्कृति नहीं, ये क्रिश्चियन का संस्कृति है, हमारी संस्कृति है सत्संग कीर्तन हो। इसलिए आप देखना गांव में, आप लोग भी राजस्थानी का लोग एकादशी में देखा बैठ कर कीर्तन कर रहे हैं, हमारी संस्कृति है ये, हर चीज में प्रभु का कीर्तन करो भजन करो, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हरि, इससे सारे अमंगल दूर हो जाएगा। इसलिए भगवान की भोग लगाओ, प्रसाद खाओ, दूसरों को भगवान की सेवा में कीर्तन कर दो, जरूर उसमें कल्याण कल्याण होगा। इसलिए ऐसे नहीं गंदी गंदी चीज खिलाओ, कोशिश करना ये चीज से बच्चे रहने के लिए, ठीक है। और मैंने उसी दिन बताया था जो शराब पीते हैं उनका कितना लाभ होता है, कितना लाभ याद है कि नहीं, कितना लाभ है, तीन लाभ। क्या तीन लाभ है, पहला लाभ वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, दूसरा लाभ घर में चोरी नहीं होगी, और तीसरा लाभ कुत्ते उनकी दोस्त बन गए, है ना। इसलिए बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहे तब तो बूढ़ा होगा, वो पी पा करके तो आधा उम्र में खत्म हो जाएगा, पर बूढ़ा कहाँ से बनेगा। बोले चोरी नहीं होगी, बोले चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो तो सब बेच बाच करके पत्नी का भी गहना बहना बेच बाच कर पी पा करके सब खत्म कर देगा, पर घर में चोरी कहाँ से होगी। तीसरा लाभ क्या, कुत्ते दोस्त बनेंगे, बोले कहीं पी पा करके रोड में पड़ा रहेगा और कुत्ते आकर के मुंह में चाट जाएगी, नहीं तो पेशाब कर जाएगी। इसलिए ये सब चीज ग्रहण हमें नहीं करनी चाहिए। नशा तो केवल एक चीज की नशा हो, प्रभु प्रेम की नशा हो, प्रभु भक्ति की नशा हो, और कोई नशा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोई नस्ली वस्तु को, और मैंने बताया था कोशिश करना चाय भी धीरे धीरे छोड़ने के लिए, चाय भी धीरे धीरे छोड़ने के लिए मैंने कोशिश किया था, दूध पियो दही खाओ, मैंने पहले बहुत बात बताया। इसलिए जो तीसरा चीज है कली का जो स्थान स्त्रियम, स्त्रियंग का मतलब है कहते स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास है। भले कौन सा स्त्रियों में कली का निवास है, जो स्त्रियां अवैध रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष का संग करते हैं, हाँ संसार करो, शादी करके अपना पत्नी को साथ में घर गृहस्थी बैठा, ऐसे नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके घूम रहे हो, नहीं ये नहीं। लेकिन मैंने देखा आपको जो राजस्थानी है ना, बहुत अच्छा नियम है, आप लोगों बचपन से बच्चे को शादी करवा देते हो, बचपन से बहुत, ये हमारी जो रीति है ना अच्छी रीति, यही हमारी संस्कृति है। बचपन में अगर शादी करा दो, पत्नी को पता चले जाता था लड़की को ये मेरे पति है, पति को पता चले जाते थे ये मेरी पत्नी है, फिर गलत संग नहीं करते थे, उल्टा सीधा। लेकिन हमारी सरकार, हम क्या सोचते है ना, बेटी को शायद बहुत लिखा पढ़ा कर देंगे ना, शायद ये बहुत लिखी पढ़ी होकर के बहुत पैसा कमा करके सुखी हो जाएंगे, ये हमारी संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति आपको पता होगा, बेटी अगर थोड़ी सी दो तीन क्लास पढ़ लिया
थोड़ा पढ़ाई गीता भागवत पढ़ना हिसाब कितना समझ गई, घर में रहो, घर में रहो, शादी करा दो, अपना पति के घर में जाओ, वहीं पर जाकर जो कुछ करना वहीं पर। ये हमारी संस्कृति, इसलिए डाइवोर्स नहीं हुआ करता था। अभी भारत में 50% डाइवोर्स है, जिसके घर में तो जितने ज्यादा पैसा उसके घर में ज्यादा ही गड़बड़ी है, ज्यादा ही उसी घर में गड़बड़ी है। लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं, हमारी संस्कृति है पहले जो ऋषि मुनि लोग जो काम करते थे तब भी घर में सती बनकर के स्त्रियां रहा करती थी। इसलिए भगवान राम ने सीता को क्यों त्याग दिया, कि सीता को उन्होंने क्यों त्याग दे दिया था, इसलिए कारण यही है, भारत के स्त्रियां बेटी स्त्री सती बन करके रहे, ये आदर्श दिखाने के लिए भगवान अपना पत्नी सीता को उन्होंने त्याग दिया। इतने बड़ी आदर्श भगवान रख करके गए हैं, कारण यही कारण है। इसलिए हमारी पहला संस्कृति अभी लगता है राजस्थान के लोग अभी ये संस्कृति को थोड़ी सी रक्षा कर रहे हो बेटी है। इसलिए बेटियां बेटियां जब थोड़ी सी बड़ी हो जाओ शादी कर देते हैं, बेटे को भी शादी कर देते हैं, और ये 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 संस्कृति सही संस्कृति हमारी है। इसलिए वहां पर करने पर कहते पवित्रता ये नष्ट हो जाती है, पवित्रता नष्ट हो जाती है। पवित्रता जो चौथा है कभी ये जीव हिंसा, जीव हिंसा में मांस मछली अंडा और प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। हम मुझे लगता है राजस्थान के लोग इस मांस है अंडा मांस मछली कुछ आप लोग नहीं खाते हो, अगर जो खाते होंगे ना कोशिश करना ये चीज को छोड़ देने के लिए कोशिश करना। इसका नाम है मांस, ये संस्कृत शब्द है। मांस का मतलब क्या है, मांग मतलब मुझको, सह मतलब वह, मतलब अभी जिसको खा रहे हैं बाद में हमें जो खाएगा। इसलिए अंग्रेजी में कहते मीट, मीट मतलब क्या, मी ईट मतलब मुझे जो खाएगा बाद में, अभी तू जिसको खा रहे हो। इसलिए ये मांस एक प्राणी जीव है, केवल हम ही जीव नहीं, जगत में सब जीव भगवान की संतान है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जो व्यक्ति मांस मछली खाते हैं और मेरे को पूजा करते हैं उनका पूजा जैसे राख में घी डालना बेकार है, उनकी भक्ति भी जीरो है, बेकार है। क्यों, जगत में जितने जीव है वो सब के सब भगवान की संतान है, केवल हम ही उनकी संतान नहीं, हर जीव उनकी संतान है। इसलिए जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। और धीरे धीरे अंडा फंडा भी खाना शुरू कर दिए। अब लोग महाभारत सुने होंगे, जब महाभारत खत्म हो गया ये धृतराष्ट्र गांधारी कृष्ण के पास में गए, बोले 100 बच्चों का मृत्यु क्यों देखा, भगवान बताए पूर्व जन्म की कथा सुनाए, बोले तुम पूर्व जन्म में शिकार खेलने के लिए गया था, बड़ी जोर से भूख लग रहा था, एक पेड़ में चिड़िया की घोंसला थी और पेड़ के ऊपर चढ़ करके तुमने 100 अंडा खाया था, और एक एक अंडा में एक एक बच्चा होता है, 100 अंडा खाया ना इसलिए तुमको 100 बच्चों का मृत्यु देखना पड़ा, कृष्ण खुद कह रहे। इसलिए ये अंडा फंडा नहीं खानी चाहिए। और आपको ये बताया था मैंने प्याज लहसुन भी अपवित्र वस्तु है, हैं? ये गैया की मांस से राक्षस की मांस से ये प्याज लहसुन का सृष्टि हुई, खून का बूंद से मसूर दाल बनी है। इसलिए ये चीज ठाकुर को कहीं सेवा में नहीं लगता है, भगवत सेवा में कोशिश करना। अगर ये चार जो गंदी चीज को त्याग दो, बोले चार चीज लेकर के जाओ, बोले चार चीज क्या लेकर के जाए, बोले पहला चीज भगवत कथा से सबके सब घर में तुलसी की पूजा होनी चाहिए, घर में तुलसी वृक्ष होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जब ये दुनिया छोड़कर गए अपने आप को उन्होंने तुलसी वृक्ष में गए। हम कहते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों, वृंदा मतलब तुलसी, बन मतलब जहाँ तुलसी की बन वहीं पर भगवान है, हैं? इसलिए भगवान तुलसी वृक्ष में अपना स्वरूप है, और तुलसी लक्ष्मी है, तुलसी लक्ष्मी नारायण को साथ में शादी होती है। इसलिए हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढने के लिए गए क्या देख करके उतरे, ये तुलसी वृक्ष देख करके उतरे थे। बोले तुलसी वृक्ष, हाँ ये तुलसी वृक्ष तो किसी भक्तों के घर में होता है, ये लंकापुरी में तुलसी वृक्ष कैसे आ गई। फिर नीचे उतरे देखा घर को सामने लिखा हुआ श्री राम, बोले भैया मेरे प्रभु का नाम श्री राम, शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह कैसे। हाँ देखो एक अच्छी शिक्षा लेकर के जाओ, विभीषण अच्छी शिक्षा दी, किसने रावण को पास में चुगली कर दिया, बोले रावण जिस राम को तुम विरोध मानते हो तेरे घर में तो सबसे राम का प्रिय भक्त तेरे घर में बैठा हुआ,
बोले कौन? बोले तेरे सगे भैया विभीषण। बोले पता कैसे चला? बोले जा करके देख लो उसका घर को सामने क्या लिखा हुआ। अभी रावण दौड़ दौड़ करके आया, देखा सचमुच से लिखा हुआ श्री राम। बोले वे विभीषण, तुम मेरे शत्रु का नाम कैसे लिखवा दिया? बोले कहां पर? बोले ये क्या लिखा हुआ श्री राम? बोले आपका शत्रु कहां? मैं अपना भाभी भैया को प्रेम करता हूं ना, उनका नाम लिखा। बोले कैसे? बोले आपका नाम किया? बोले रावण। बोले रावण का पहला अक्षर किया? बोले रा। बोले भाभी का नाम किया? बोले मंदोदरी। बोले पहला अक्षर किया? बोले मां। बोले श्री राम, मतलब श्री रावण और मंदोदरी। बस रावण खुश हो गया, रावण खुश हो गया। हाँ, यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो यहाँ पर शिक्षा देते, जो भक्ति करते हैं ना, किसी तरह से अपने मतलब को निकाल लो। आप देखना, अगर गंदे काम करो तो दुनिया कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन गले में थोड़ा कंठी पहन लो, बोले ये क्या, कौन सा बीमारी, गले में कंठी तिलक लगा दिया, ये क्या, ये कहाँ से ले आए? अगर बेटा अगर शराब पी रहा है ना, सिगरेट फूंकता है, वेरी गुड, मेरा बच्चा तो बड़ा एडवांस कर रहा है, सिगरेट शराब पी रहा है ना, लेकिन कंठी गला माला, बोले ये कौन सा बीमारी, ये कौन सा बीमारी। बोले दुनिया इतनी गंदी है, अब तो मीरा की देश का लोग है। जब मीरा ने भजन की, उसको पति, उसका जेठ, उसका देवर सब पीछे पड़ गए, गांव के कुत्ते तक भी मीरा की नाम पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन दुनिया में अभी किसका नाम हो रही है? मीरा के नाम। बल्कि उनको पति को, देवर जेठ को, ननद को गाली देते हैं। रावण ने विभीषण को ये किया, लेकिन दुनिया में किसका नाम पूजा हो रही है? विभीषण की पूजा हो रही है। रावण ने विरोध किया, लेकिन अभी भी रावण का पुतला जलाते हैं, अभी भी कंस का पुतला अभी भी जलाते हैं। कहां ये द्वापर जो त्रेता युग में आए, अभी भी उनका पुतला जला रहे हैं। बोले क्यों? बोले भगवान के जो विरोध करने वालों का जिंदगी भर जलते रहेगा, जिंदगी भर जलते रहे, अभी उसका पुतला जलाते हैं बना करके। हाँ, इसलिए, हाँ इसलिए यहाँ कहते हैं, जो भक्ति करने वाला है ना, अपना किसी तरह से अपना मतलब पे निकाल लो। हाँ, दूसरी शिक्षा है, अपना घर का नाम अपना नाम पर मत रखा करो, अपना घर को सामने अपना नाम मत रखा करो। कृष्ण भवन, राधा भवन, निकुंज भवन, राम भवन, भगवान का नाम पर भवन। घर किसका है बताओ? हमारे ना ठाकुर ने, किसने दिया घर को? ठाकुर ने दिया। अपना नाम को मत लिखा करो, घर का नाम रखो तो भगवान की निकुंज मंदिर है, वृंदावन धाम है, हैं निकुंज धाम। अपना बीवी बच्चे का नाम सामने मत लिखा करो, भगवान के नाम को सामने रखनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर विभीषण जी इस चीज को विभीषण सिखा देते हैं। इसलिए घर में तुलसी की सेवा पूजा होनी चाहिए। जिस घर में तुलसी बढ़िया हो ना, समझो माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी, खूब पैसा आएगी, क्योंकि लक्ष्मी तुलसी लक्ष्मी है। आप देखना किसी किसी घर में तुलसी जिंदा ही नहीं रहती, वो मर जाती है। बोले क्यों? बोले लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर नहीं, इसलिए तुलसी सेवा से कृष्ण राधा रानी प्रसन्न होती है, ठीक है ना। सवेरे रोज नहा धो करके तुलसी में पानी दो, तुलसी की परिक्रमा करो, तुलसी की आरती उतार, माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी और घर में भगवान की निवास होता है। और गले में क्या करनी चाहिए? गले में भी तुलसी की माला, क्या करो गले में तुलसी की माला पहना करो। हम पहले बता रहे थे ना, जब कह रहे हैं दूतों को, जो भगवान की भक्ति करते हैं, मेरे पास में मत लाया करो। बोले भैया पता कैसे चलेगा? बोले उनका शरीर में तीन चीज देखोगे, गले में तुलसी की कटी देखोगे, ललाट में तिलक देखोगे, और क्या देखोगे, भगवान के नाम को जप करते हुए देखोगे। अगर ये तीन लक्षण देखोगे ना, समझ जाना ये भगवान की ये भक्ति करते हैं, ये तीन लक्षण से। इसलिए सबके सब गले में तुलसी की माला धारण करो, क्योंकि इसमें लक्ष्मी नारायण उसमें निवास होते हैं, लक्ष्मी नारायण की, ठीक है ना। जो प्रसाद वगैरह आज दिया दिया
আরে ওর সামনে বলবেন না, ওর সামনে বলবেন না, ওর সামনে বলবেন না, ওনার সামনে বলবেন না। শ্রী বৃন্দাবন বিহারি লাল জয় জয় শ্রী রাধে। তিসরা চিজ হে হর ঘর ঘর মে ঠাকুর পূজা হোনি চাই, ঘর মে সুন্দর জেসে বাল গোপাল জি কো রখো, কৃষ্ণ কি সেবা রোজ করো। इसलिए शास्त्र ने बताया जैसे अपना शरीर को सुंदर करके सजा बढ़िया से, अब शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना जो परछाई है ना, ये परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, शरीर को जितने बढ़िया सजाओगे परछाई अपने आप सज जाती है। मतलब मूल कौन है? ठाकुर जी। घर में जितने सुंदर ठाकुर को सेवा करोगे, ठाकुर जी को स्नान करोगे, ठाकुर जी को कपड़ा से श्रृंगार करोगे, ये मूल यही है। देखना हम अपने आप घर में शांति सुख बज रहे, ठीक है ना। इसलिए हर घर में ठाकुर जी की पूजा होनी चाहिए और उसका चरणामृत बच्चों को खिलाओ और घर में जो कुछ खाना खाओ क्या करो, पहले ठाकुर जी को इतना कम से कम कथा से लेकर के जाओ। जैसे सुदामा ने दो मुठ्ठी चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया ठाकुर जी, इसलिए घर में जो कुछ खाना खाए पहले ठाकुर जी को भोग लगा कर खाना खाओ। और सबसे जो बड़ी चीज है भगवान के नाम जप करना, ठाकुर जी को नाम। इसलिए पूरी भागवत का जो सार है ठाकुर जी का नाम। पहले मैंने कथा सुनाया ना चार गोहों की, किसको याद है चार गोहों की कथा? हाथ उठाओ तो किसको किसको याद है? वाह बढ़िया। और किसको किसको याद है? इसलिए कल बता रहे थे ना राजा की चार रानियां थी, सबसे बड़ी रानी कौन थी? ये शरीर है, जिस शरीर को हम इतने प्यार और इतना प्रेम करते हैं, हाँ जो मांगता है वही है, लेकिन अंतिम समय पर शरीर यही रह जाती है। दूसरे पत्नी कौन थी? जो सुंदरी, सबसे सुंदरी क्या कहते ये पैसा है, मरने के बाद ये पैसा भी दूसरों के पास में चली जाती है। तीसरी रानी कौन थी? ये परिवार, पत्नी परिवार। पत्नी से जब पूछा साथ में चलोगी, बोला हाँ दरवाजा तक चलोगे, बोले आगे, बोले आगे नहीं चल सकते। परिवार वालों से पूछे चलोगे, बोले जरूर चलेंगे, बोले कहाँ तक, बोले शमशान तक चलेंगे, वहीं पर जला करके टाटा करते करते आ जाएगी। और जो चौथी जो रानी थी, राजा जिसको सबसे जीवन में ज्यादा नेग्लेक्ट कर रखा था, ये किसी काम के नहीं बेकार है, हैं? लेकिन जब उसी को पूछा केवल वही राजी हुई, तुम्हारे साथ साथ चलूंगी। वो कौन, वो क्या थी? भगवान की भक्ति और भगवान का नाम है। सब काम के लिए तो हम समय निकाल देते हैं, जब बोलते एक दो माला करो बोले समय कहाँ है? टीवी देखने के लिए समय, शादी में जाने के लिए समय, घूमने के लिए समय, लेकिन जो भक्ति की हरि नाम की बात करते ना, बेकार कोई काम की नहीं। लेकिन अंतिम समय में साथ में कौन जाएगी? अंतिम समय जो शरीर छूटेगा क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? सही बोले ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलते बोलते ले जाएगी। इसलिए हमें जो चौथी रानी जो भगवान के नाम है, नाम में ही हमारी निष्ठा होनी चाहिए, नाम हमें जप करनी चाहिए। देखो इसी कथा में कुछ कुछ भक्तों लोगों ने बहुत अच्छे तरह से, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से आप लोगों ने बात की, तभी इतने बढ़िया प्रोग्राम यहाँ हो सका। जलाराम प्रभु ने, जलाराम प्रभु का जो परिवार है, इतना सब बड़ा परिवार, ये प्रभु के ये सारे परिवार है। कहते आपका सबके सब परिवार लोगों ने, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, हर तरह से आप लोगों ने यहाँ मदद किया, तभी इतनी अच्छी कथा हो सकी। और ये भागवत कथा की इतने पुण्य, इतने पुण्य है। इसलिए गोकर्ण जब धुंधुकर जब प्रेत जो में पड़ा, जब गया में पिंड दिया, बोले एक बार क्यों, 100 बार पिंड देने पर भी मुक्ति नहीं हुई, लेकिन उनको मुक्ति कैसे हुई? केवल भगवत कथा से है। जब ब्रह्मा जी देखा परीक्षित महाराज कथा सुनते सुनते सीधा भाई भगवत धाम को चले गए, तराजू लेकर के उन्होंने नापा, एक तरफ में पृथ्वी का सारे पुण्य को रख लिया, दूसरे तरफ में भागवत कथा को रख दिया, तो वो देखा पत्थर पे पत्थर जैसे जमा रहा है, सारे पुण्य हल्का हो गई। मतलब है ये कथा जैसे पुण्य जगत में कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए श्री व्यास देव ने जब सारी ग्रंथों को रचना की, शांति नहीं मिली, शांति कम मिला,
जब उन्होंने भागवत ग्रंथ पर रचना की। इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं अगर कई कथा हो रही है, अगर इतनी सी कोई बात बोल दे कथा हो रही है बहुत अच्छी बात है। अगर इतना कोई बोल दिया ना तो जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, सारे पाप से मुक्त होकर के भगवत धाम को गमन करते हैं। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे जगत में ऐसे कुछ काम है जिसको पैसा की बल कर सकते हैं, जगत में ऐसे कुछ काम है जन बल पर कर सकते हैं, मन बल सबसे बड़ा आत्मा बल पर कर सकते हो, लेकिन कथा को कोई न तो तन से बल के मन बल से न तो आत्मा बल से पैसा बल पर नहीं। जब तक बांके बिहारी जी की गुरुपाद पद्म की संतों की कृपा की बल नहीं हो कभी ये कथा को कोई रख ही नहीं सकते और ये कथा को कोई सुन भी नहीं सकते। इसलिए आपका परिवार ने जो इतने बढ़ा चढ़ा कर भी किया है आप लोग बड़े धन्यवाद के पात्र है। इसलिए आप लोग आपका परिवार के लिए खूब जोरदार ताली बजा जितने जोर जोर से। कहते इसी कथा में हमारे जो फोकाराम प्रभु जी इन्होंने क्या किया, हम तो सोच रहे थे भैया कथा कहाँ करा है, कहीं सामने कोई बोल रहे थे लेकिन लास्ट उन्होंने मना कर दिया यहाँ नहीं होगा, तो बड़े चिंता में पड़ेंगे कोई कथा कर। इन्होंने 10 दिन के अंदर में क्या किया, बोले नहीं कहीं करने का कथा करने की कोई जरूरत नहीं, हम यहीं पर अपना मत बना देते हैं। 10 दिन के अंदर में प्रभु जी पूरा इसको बना के तैयार कर दिया, बोले कथा प्रभु यहीं पर हो है। इसलिए जिस घर में कथा होती है सुतो गोस्वामी कहते हैं सर्वाणी तीर्थानी बसंती तथा पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आकर बैठ जाते हैं, सारे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावरी सब वो घर नहीं बोलो तो वृंदावन हो जाते हैं। इसलिए ये प्रभु ने अपना दीप खोल कर कहते कहीं भी बड़ा उत्सव हो यहीं पर आओ और यहीं पर, ये कोई साधारण बात नहीं, कोई बोल दे अपना घर में आओ अपना घर में करो ये कोई साधारण बात नहीं। इसलिए हमारे प्रभु जी बड़े धन्यवाद की बात रहे। इसलिए आप उनके लिए भी कहते हमारे जो भक्ति में ना सबसे पहले इनके परिवार में श्री हरि भक्त प्रभु एक हुए हैं, ये जिन्होंने सबसे पहले हमारे बड़े गुरु जी के पास में आए और इन्होंने हमारे बड़े से नाम लिया है, इनके पति ने इन्होंने हरि नाम लिया, फिर इनको उन्होंने जोड़ते जोड़ते फिर जब फिर हमने कही कथा की एक आयप्पा मंदिर में ना हाँ वहाँ पर जब हमने कथा की कहते वहाँ पर से हमारे से रामा राम प्रभु जी वहाँ पर कथा सुनने के लिए आते थे, वहाँ पर कथा सुनने के लिए आते थे और कथा सुनकर एक दिन उन्होंने लास्ट में बोले मेरे तरफ से आज प्रसाद सभी के लिए मेरे तरफ से हाँ। इन्होंने धीरे 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 सबको बताए और उन्होंने धीरे धीरे पूरा पूरा परिवार को उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने जोड़ दिए हैं। इसलिए ये प्रभु जी सबसे पहले हम लोग का आग्रह उत्साह दिया, इसलिए हम के लिए भी ताली जोड़ और हमारे श्री मनाराम प्रभु जी और उनकी हैं इनका जो जितने सब के सब परिवार के लोग हैं हैं है? इसलिए इनका जो सारे के सारे जो परिवार लोग हैं इसलिए आप लोग सब के सब धन्यवाद के पात्र हैं, धन्यवाद आप लोग के पात्र हैं। इसलिए आज का दीप जो प्रसाद की जो सेवा है कहते श्री पद्माराम जी और श्री श्यामलाल प्रभु जी और महालक्ष्मी ज्वेलर्स के लोग है ना, इसलिए इन लोगों ने आज आपको प्रसाद के लिए इन लोगों ने सबके सब व्यवस्था किया। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी खूब घर में शांति सुख दे, घर खूब फलते रहे हैं, घर में लोग शांति सुख में रहे सबके साथ। और इन कथा में कल श्री विमला जी और श्री हरि कृष्ण प्रभु जी हमारे ये लोग भी आकर के बहुत तरह से हम लोग को मदद किया, बड़ी लोग ने सेवा किया और जी किरण गुरु जी इन लोगों ने बड़ी सेवा की है। और कथा में देखो कथा में फिर ये लोग तो धन्यवाद लेकिन और भी सारे बहुत सारे भक्त कथा सुनने के लिए आए, फिर आप लोग क्या है। इसलिए देखो अगर श्री सुखदेव गोस्वामी आ जाए अगर श्री परीक्षित महाराज नहीं होते कथा ही नहीं होता। इसलिए आप लोगों ने घर में कितने आराम से रहते थे, देसी बढ़िया से रहते थे लेकिन आप लोगों ने सारे सुख सुविधा छोड़ करके आप लोगों ने जितने और जो जितने भाई लोग बहन लोग कथा सुनने के लिए आए हो सबके सब आप परीक्षित हो। अगर आप लोग नहीं होते भैया हम फिर कथा किसको सुनाते, इसलिए आप जितने सब श्रोता है यहाँ पर हमारे सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। और यहाँ पर हमारे कुछ बड़े गुरु जी के कुछ शिष्य लोग हैं, हमारे गुरु जी का कुछ शिष्य लोग यहाँ पर भी है
इसलिए और ये कथा में हमारे श्री चंदन प्रभु जी और हमारे श्री हैं कहते माधव दीदी इन लोगों ने हम लोगों को भुला था। कब हम तो साल भर कहते कब समय निकलेगा, कब समय निकलेगा कथा के लिए, ये हमको बोलते रहती है। और अपना घर में ला कर रखना और हमको फ्लाइट में ले आना और फ्लाइट में हमको दे आना। और आप लोग यहाँ आकर आगे कथा सुन जाते हो लेकिन पता नहीं ये माधवी क्या करती घर में, ये 24 घंटा खाने पीने में, ये 24 घंटा ये खाने पीने में हमारे सेवा में लगे। सवेरे उठ करके जानते हो राजा सोती है और ये इसे सेवा करते करते उसको बीमारी भी हो गई, इसलिए इतनी इतनी सेवा करते करते ये बीमारी भी पड़ गई। हम लोगों के लिए खाना बनाना, बुलाना, ये करना, हर तरह से बहुत सेवा करता है। हमारे कोई चीज हो, जरूरत हो, हम कहीं रहो, विदेश में भी हो, हमारे फोन में पैसा बरतना, कहाँ कहाँ जाना नहीं जाना, पहले टिकट आप सोच नहीं सकते, हम सोच नहीं। हमारी सेवा करती जो पति पत्नी इतने हर तरह से, उनको पति भी जैसे मिले, ये भी देखो दिन भर ये काम करते रहते हैं, पैसा कमाते हैं, हाँ ये पैसा कमाते हैं, लेकिन ये माधव दीदी सब पैसा खर्चा करती है, इसलिए ये खर्चा करती है। इसलिए ये जो दोनों हैं हर तरह से हम लोग की बहुत सेवा करते हैं। आप इनको भी खूब आशीर्वाद दो, ये दोनों खूब ऐसे दोनों की सेवा करते रहे और साधु संपत्ति को सेवा करते रहे। और इन कथा में देखो अकेले और हमारे श्री बंसी वदन प्रभु आगे सब तो माने चार चांद लग गया है ना, चार चांद इन्होंने लगा दिया है। ये उड़ीसा में कभी कभी और जगह पर मेरे साथ में आकर के हम दोनों कथा करते हैं। हाँ, हमारे बड़े गुरु जी के शिष्य ये संस्कृत पढ़े हुए अच्छे संस्कृत, पहले संस्कृत का ही टीचर थे, लेकिन कम उम्र में उन्होंने गुरु जी की शरण में आकर के सब उन्होंने अपना टीचरशिप को छोड़ दिए और यहाँ गुरु जी की शरण में आए। और उड़ीसा में बहुत इनकी टीवी में कथा आती थी, टीवी में रोज आना की एबीसी को चलाने का। अभी प्रभु जी धीरे 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 कोशिश करते हैं, अभी हिंदी भाषी में भी, हिंदी भाषा में आप लोग तो कथा सुनेंगे कितने अच्छी कथा करते हैं, और धीरे धीरे इधर हिंदी धीरे धीरे इनकी बढ़िया हिंदी होगी कथा बोलते बोलते, कुछ दिन बाद में इनकी हिंदी कथा पूरा के पूरा चैनल में कथा आने वाली है। प्रभु जी को ये लोग वैसे नहीं आएंगे, अगर आप कभी बुलाओगे तो, क्योंकि उनके भी बहुत प्रोग्राम उड़ीसा में रहता है, इसलिए मैं तो चाह रहा था बीच बीच में प्रभु कभी कभी आए। अगर कभी आप प्रोग्राम करेंगे तो अगर कभी आप बोलोगे फिर तो माधवी को बोलना ये फिर प्रभु को फिर बुलाएंगे, जब बुलाओगे तब आएंगे, ठीक है। और हमारी कथा में जो प्रभु जी जो क्यासे बजा रहे थे, देखा कितने मीठी कोकिली जैसे कोकिली जैसे इनकी गला आप लोग सबको नचा लेते थे, इनकी अंगुली की हाँ इनकी अंगुली चले तो जब प्यार भी चलना शुरू हो जाता है, नाचने लग जाता है, इसलिए इन्होंने बड़े सुंदर मेरे साथ में हर जगह पर प्रभु जी जाते हैं और कीर्तन से मदद करते हैं। और हमारे सुदामा प्रभु जी यहाँ पर छोटे से प्रभु जी है ये जो पेड़ बजाते हैं और ये बड़े सुंदर मृदंग भी बजाते हैं, ढोलकी बजाते हैं। और इन्होंने बचपन में उन्होंने एकदम छोटे उम्र में इन्होंने मंदिर में एकदम छोटे उम्र में आए और आकर के हर चीज को उन्होंने सीख लिया। जो बात बताया ना, बढ़िया ये तबला बजाते हैं, बढ़िया पेड़ बजाते हैं, हारमोनियम भी बजाते हैं ये बड़े, इसलिए हर तरह से ये हमारे साथ में जा करके सारे दुख कष्ट में रहते हुए हमारी बहुत सेवा करते हैं। और इनके साथ में श्री मनमोहन प्रभु जी जो मृदंग बजा रहे थे, इन्हें बक्सर का बक्सी का ये चैंपियन थे, वो जो मृदंग बजा रहा था ना बक्सी का चैंपियन था उसने, लेकिन छोड़ दिया। और इनका छोटा भाई एक भैया वो भी बड़ा सुंदर मृदंग बजाते हैं, कहीं भी प्रोग्राम हो ये दोनों भाई आकर के बड़े सुंदर और बड़े सुंदर हरी कथा भी बोलते हैं। कल इनके घर में बहुत अच्छी कथा सुना रहे थे, प्यारी कथा सुना रहे थे, मैं सोच रहा था ये कथा को यहाँ भी सुनाए लेकिन समय नहीं है सुनाने के लिए, बहुत अच्छी कथा वहाँ पर सुनाई, इसलिए आप इनके लिए भी जोरदार ताली देखो, सभी को तो ताली बजाए इसलिए मुझे भी कुछ देना पड़ेगा, ताली बजा करके खत्म कर दूंगी। देखो आपसे मैं भी एक चीज आपसे मांगूंगा लेकिन मेरे को देना ही पड़ेगा, क्योंकि कथा सुनकर कुछ देनी चाहिए, बगैर दिए बगैर ना दक्षिणा दिए बगैर पूरा नहीं होता है कथा सुनने का,
एक दक्षिणा आपको मांगूंगा, दोगे? हाँ, ये देना, रोज सवेरे स्नान सवेरे एक नहीं तो दो माला जरूर जप करना, क्योंकि भागवत का जो सार है ना, भागवत का सार नाम है। जब ये भागवत प्रारंभ हुई है, देखो सुदेव गोस्वामी जब शुरू किए ना, बोले नाम उसने एतद विद्यमानानाम इच्छताम अकूत भय जोगी नाम नृपर निर्मित हरे नामान कीर्तन, मतलब जितने भी पुराण सब यही कहता है प्रभु का नाम से ही शांति मिलेगा जीवन में। जितने संतों की महिमा केवल नाम की महिमा पर है, और जब समाप्त हुआ है नाम से, देखो मैं एक श्लोक उच्चारण करता हूँ, ये भागवत का अंतिम श्लोक है, इसको उच्चारण करना भागवत का सब फल मिल जाएगा। मेरे पीछे पीछे बोलो, बोले नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम, प्रणाम दुख समनम तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। ये भागवत का अंतिम श्लोक है, मतलब है भगवान की नाम कीर्तन के द्वारा ही जीव का शांति सुख सब कुछ भगवान की नाम के द्वारा मिलेगा। इसलिए क्या करना, रोज एक दो माला जप करके खाना खाना, ठीक है? दोगे हमें ये दक्षिणा मेरे को दोगे? हाँ, दोगे दोगे? बोलो कौन कौन देगा मेरे को? कोई हाथ नहीं उठा रहे, डर लग रहा है उनको। बोले कल मैंने बताया था ना, भगवान का नाम ये चिंतामणि, ये भगवान का नाम चिंतामणि, चिंतामणि मतलब क्या? मैं तो पिछली बार बहुत लोगों ने माला लेने गए थे, बहुत लोग माला लिए थे, अगर रखे होगा तो उसको भी जप करना, और जाते समय जिसकी इच्छा होगी हम माला जप करेंगे, आप जाते समय मेरे से एक एक माला लेके जाना, ठीक है ना? भले कोई चीज को भूल जाना लेने के लिए, लेकिन जिनके पास माला नहीं मेरे से एक एक माला लेकर भी जाना, ठीक है ना? सबके सब एक एक माला, मेरे पता नहीं कितना माला है, लेकिन माला लेकर भी जाना सबके सब, और ये माला को जप करना। और जिसकी इच्छा होगी गले में हम तुलसी कंठी पहनेंगे, आपके गले में जिसकी इच्छा होगी आप तुलसी कंठी लेकर के पहन सकते हो, लेकिन इसलिए परहेज है, मांस मछली तक खानी नहीं चाहिए, यहाँ तक प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन मैंने जो माला जप करने के लिए दूंगा आप इसको कर सकते हो, प्याज लहसुन खाते हुए भी ये माला को जप कर सकते हो। क्यों? आपका नीम माला दे रहा हूँ, तुलसी माला तभी दूंगा जब पूरा प्याज लहसुन को छोड़ दोगे, फिर तभी आपको तुलसी माला दूंगा, लेकिन अभी जो नहीं माला दूंगा वो नीम की माला, इसको जप कर सकते हो, इसके लिए कोई नियम नहीं, और जितने जप कर उतना पाप भी अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है? कृष्ण रुक्मिणी की आप इधर आ जाओ, दोनों बच्चे इधर आ जाओ, बोले श्री रुक्मिणी रामायण भगवान की जय, जय श्री राम। हमारे यहाँ पर श्री श्रीनिवास गुरु आए, यहाँ श्रीनिधि प्रभु नहीं आए ना, आए श्रीनिधि प्रभु, हमारे यहाँ पर एक मठ भी है, श्रीनिधि प्रभु जी है, अभी तो हमारी मठ बहुत दूर तक चला गया, ये लोग भी बीच बीच में आकर करेंगे, हम भी चाहते कभी कभी अगर ये प्रभु अगर ये आदेश देंगे तो जब इनकी इच्छा होगी बुला सकते हैं बीच बीच में, और हमारे बंसीवदन प्रभु का अगर कुछ चाहेंगे तो, हम तो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं बीच बीच में हो ना, फिर आपकी भक्ति की भावना बनी रहेगी, नहीं तो एक साल बाद में आओ ना देखते हैं पूरा खाली, वो जितना सुने सब बेटर जो चार्ज हो ना पूरा डाउन हो जाता है, इसलिए हम चाहते हैं बीच बीच में ये बेटर चार्ज होते हो रहे। वो चार्ज कब होगा? जब संतों की संग होगा, अगर ये कभी चाहेंगे तो प्रभु की इच्छा जब होगा, ये अकेले आएंगे, हम कोई नहीं आएंगे, ये अकेले ही आएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का आने जाने का खर्चे केवल अकेले आएंगे, और यहाँ पर कल बात कर रहे थे दो चार जगह पर काम करके कथा करके फिर वो चले जाएंगे, ठीक है? अभी कृष्ण रुक्मिणी इनके हाथ में दो माला दे दो, दो माला दे दो। हाँ देखो, कहते विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा थे, कहते घर में चार को पांच चार पांच बेटे, और सबसे जो छोटी बेटी से रुक्मिणी थी। अभी नारद जी को पता है, अभी दोनों पकड़ो, अभी मैं जब बोलूंगा ना तब गले में माला देना, इसलिए कहते अभी ये रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी, लेकिन ये नारद जी को ये बात पता था, ये बचपन में आकर के कृष्ण की बड़ी प्यारी प्यारी मीठी
कथा ओम रोग में भगवान कृष्ण बैठी गई, बोले शादी करूंगी तो द्वारकाधीश से शादी करूंगी और किसी से शादी में नहीं करने वाली हूँ। लेकिन भैया को जो पता चला, बोले कृष्ण को हमने सुना बचपन में गैया चराया करता था, घर घर में माखन भी चोरी करता था, भैया ऐसे ग्वाल के साथ में मेरी बहन की शादी नहीं, हम तो राजा शिशुपाल से शादी करेंगे। इतने में रुक्मणी ने एक ब्राह्मण को बुला करके एक सुंदर प्रेम पत्र को लिखे और ब्राह्मण को देख करके पहुंचा दिया। देखो दोनों दोनों को नहीं देखे, लेकिन रुक्मणी की इतने सुंदर शरणागति, इतने सुंदर उन्होंने भगवान को उन्होंने पत्र लिखा, बोले हे प्रभु जगत में सबसे सुंदर आप हो, जगत में पति बनने का लायक कोई और पति बन नहीं सकते, क्योंकि हर जन्म में कहते ना ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, वर बरियो गोपाल जो तुड़ल अमर रह जाए। इसलिए हैं आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगाओ, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो, श्याम सुंदर की गोपी बना दो। इसलिए ऐसे उन्होंने पत्र लिखे, बोले हाँ मेरे को हरण कैसे करोगे, बोले एक नियम है कन्या शादी के अपना घर से बाहर जाती है देवी पूजा करने के लिए, उसी समय पराक्रम को दिखाना, शिशुपाल को जो अगर कृष्ण आएगा तो हम सब मिलकर उसको परास्त करेंगे। रुक्मिणी जब अपना सहेलियों को साथ में देवी मंदिर में गए, शंकर पार्वती प्रकट हुई और वेद मंत्र से उन्होंने कृष्ण रुक्मिणी को शादी करा दिया, लेकिन पता नहीं चला किसको। इतने में रुक्मिणी जब निकली, रुक्मिणी कौन है, वो जगदम्बा जगत जननी माँ लक्ष्मी स्वयं। इतने में रुक्मिणी ने अपना घूंघट को जब खोली, जितने बड़े बड़े राजा वहां पर थे, रुक्मिणी की सुंदरता को देख करके सबके सब बेहोश, सबके सब वहां बेहोश हो गए। इतने में कृष्ण बीच में प्रकट हुए और रुक्मिणी को हाथ को पकड़े और अपना रथ में बैठाए, और रुक्मिणी की जो सहेलियां थी ना, बोले राम राम सहेलियां मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। इसलिए रुक्मिणी तो कृष्ण के साथ में चली गई। थोड़ी देरी बाद में जब सबको होश आए, बोले भैया रुक्मिणी कहाँ, बोले जिसका था तो वो लेकर चला गया, बोले बताओ मारो पीटो पीटो, फिर दाऊ भैया आ गए, बोले कन्हैया कोई चिंता मत कर तू लेकर जा, इनको हमें निपट ले। मार करके सबको वहां से भगा दिए और कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका में गए और वहां पर बड़े धूमधाम से कृष्ण रुक्मिणी की शादी हुई। अभी तुम माला बदलाओ, रुक्मिणी और रुक्मिणी उसको बोले गला में माला पहना, तुम भी उसको गला में माला पहना। हाँ अभी प्रभु जी एक बड़े सुंदर भजन गाएंगे, हैं प्यारी भजन गाएंगे और भगवान की शादी होगी, अब आप भगवान की शादी में नाच सकते हो, जिसकी इच्छा होगा अब नाच सकते हो। अगर आप लोग कोई साड़ी फाड़ी कुछ कर देना चाहते हो इस समय, ठीक है, उनको कोई अगर आप कोई मेन व्यक्ति हो ना उसको लेकर हाथ उठा चला सकते हो, या उनका हाथ उठा दे सकते हो, आ जाओ। हरे कृष्ण, हाँ प्रभु जी भजन गाएंगे, बोल रुक्मणी रमण भगवान की बोलो द्वारका माइक को सामने ना हट जाओ। अरे आओ मेरी सखियों मुझे